आई थिंक द क्वालिटी ऑफ मी बीइंग वेरी ऑनेस्ट वाज जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ. तो फर्स्ट डे हमको बार्बर शॉप भेज दिया गया. तीन चार लड़कियां मेरे साथ और थी, उनके भी लंबे लंबे बाल थे. तो मुझसे पहले एक आगे जाके बैठी, शी इज एन ऑफिसर, शी स्टिल सर्विंग. तो वो जब बैठी तो उनकी दो चोटी बनाई और काटी और उसके बाद रीजर चला दिया. वो रोने लग गई, ये क्या हुआ. फौजी तो ऐसा इंसान होता है, वो ऑफिसर की कमांड पे जान देने को तैयार हो जाते हैं. आर्मी में ना एक चीज कही जाती है, वन फॉर ऑल फॉर वन. तो जो जवान होता है ना उसके अंदर इतना जज्बा होता है कि मैं मर जाऊंगा, कर जाऊंगा, ये सब कर दूंगा. बट अगर उस जवान को एक छुट्टी नहीं मिल रही टाइम पे, मेरा मेमोरी लॉस हो गया. मैं अपने हस्बैंड को नहीं पहचान पाई, अपनी बेटी को भी नहीं पहचान पाई, दोनों को. और मुझे याद है कि मैं अपनी बचपन की फोटोज देख के सोचती थी ये कौन. दो तरीके के लीडर होते हैं. एक लीडर वो होता है कि जिसका जो पॉइंट ऑफ व्यू या जो उसका प्लान है वो इतना तगड़ा हो कि बाकी सारे उसको फॉलो करने लगे, राइट. दूसरा एक लीडर होता है, वो ये होता है जो एक अच्छा फॉलोअर होता है. तो जब मुझे रियलाइज हुआ कि ये सारा खेल दिमाग का है, यू नो, आपका ह्यूमन बॉडी कुछ भी कर सकता है. एक बार आपको अपना मन तैयार करना है. कई बार वो मन कैसे तैयार होगा, कई बार तैयार होगा किसी ने आपको कुछ खरी खोटी बातें बोल दी, तेरे बस की बात नहीं है, तू रहने दे, तो गुस्सा आएगा, रेज आएगा, ऐसे कैसे नहीं है. अकेडमी के 11वें महीने ने मुझे जो लेसन दिया वो मेरी लाइफ का ऐसा लेसन बना कि मैं आज तक उसको फॉलो कर रही हूँ. तो वो लेसन ये था कि जब आप ये आंसर दे रहे थे तो लिटरली गूज़बम्स आए मुझे, क्योंकि इतना सच नहीं बोलता कोई. मतलब जो जिस, क्योंकि मेरे दिमाग में ये थॉट चल रहा था कि हो सकता है जब उन्होंने आपका सिलेक्शन किया होगा पहले अटेम्प्ट में, तो उनके माइंड में ये पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि एटलीस्ट मैं इस बंदे को सिलेक्ट करता हूँ तो शी विल बी लुकिंग एज प्रूव एग्जाम्पल और आइडियल एग्जाम्पल कि अगर कोई इतनी मेहनत करे, कोई ऐसे पोजिशन पे हो तो बाकी भी आ सकते हैं. बिल्कुल. बट आपने वो ऑलरेडी जो उनके दिमाग में चल रहा होगा या जो वो सोच रहे होंगे उसको बोल दिया, वर्ड में ट्रांसलेट कर दिया, तो वो लिटरली हिट किया. आई थिंक द क्वालिटी ऑफ मी बीइंग वेरी ऑनेस्ट वॉज जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ. दूसरी बात, ऑफकोर्स मैंने अपने टास्क में अच्छा परफॉर्म किया था. जो मेरा पिक्चर जो मैंने जिसके ऊपर स्टोरी लिखी थी, उस स्टोरी को पूरे ग्रुप ने लाइक आई स्टिल रिमेंबर, मुझे बोलते हैं GD में अपनी स्टोरी कैसे प्रूव करूँ. तो मैंने अपनी स्टोरी बताई और वो स्टोरी इतनी इफेक्टिव थी कि पूरे ग्रुप ने बोला वी अग्री टू दिस स्टोरी. हमारा कोई डिबेट ही नहीं हुआ. दो चार लोगों ने आई थिंक हर स्टोरी इज द बेस्ट. वो इतनी इफेक्टिव थी. तो मैं स्टोरी अभी मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, बट इट वॉज अ पिक्चर ऑफ टू वुमेन जो काली काली एक साथ बैठी हुई थी. एंड उस टाइम पे ना एक JNU में एक कुछ कॉन्ट्रोवर्सी चल रही थी अबाउट वुमेन राइट्स एंड स्टडिंग एंड ऑल दैट. तो मैंने उसी कॉन्ट्रोवर्सी के अराउंड लिखा कि देर आर टू गर्ल्स सिटिंग ऑन द चेयर ऑफ लाइक सिटिंग ऑन अ बेंच इन अ पार्क, ठीक है, वन इन फुल क्लोथ्स एंड वन वेयरिंग मॉडर्न क्लोथ्स. स्टोरी वॉज समथिंग लाइक दिस, आई कैन नॉट रिकॉल एग्जैक्टली. आई वाज थिंकिंग कि वन वाज सेइंग कि मेरी फैमिली में ऐसे कहा जाता है और दूसरी कह रही है कि मेरा तो ऐसे होता है. दिस वॉज अ टॉक बिटवीन टू वुमेन एंड एट द एंड द मैसेज वॉज दैट कि ईच वुमेन डिजर्व द राइट टू ऑफ चॉइस, ऐसा कुछ था. तो मैंने उस डिस्कशन से ये जाना और जिस लड़की ने सबसे पहले खड़े होकर बोला ना आई अग्री टू हर स्टोरी, शी ऑल्सो गॉट सेलेक्टेड विद मी. तो उस डिस्कशन से भी मैंने एक लीडरशिप लेसन लिया. दो तरीके के लीडर होते हैं. एक लीडर वो होता है कि जिसका जो पॉइंट ऑफ व्यू या जो उसका प्लान है वो इतना तगड़ा हो कि बाकी सारे उसको फॉलो करने लगे, राइट. मतलब आपका, आप सिर्फ लीडर बोलने के लिए नहीं हो, आप अपने एक्शन में लीडर हो. आप इतना अच्छा काम कर रहे हो कि दूसरे सहमत हो जाएं आपके व्यू ऑफ पॉइंट से, तो आप ऑटोमेटिक लीडर बन जाते हो, आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, राइट. दूसरा एक लीडर होता है, वो ये होता है जो एक अच्छा फॉलोअर होता है. तो दैट पर्सन अग्रीज टू द पॉइंट विच इज प्रैक्टिकल एंड रेलेवेंट, लाइक द अदर पर्सन सेड दैट गर्ल शी स्टूड अप एंड शी एक्नॉलेज करा है उसने, हाँ, कि शी हैज अ वेरी गुड स्टोरी एंड आई अग्री टू हर स्टोरी एंड शी वॉज अ फर्स्ट वन टू स्टैंड अप टेकिंग चार्ज दैट आई अग्री टू हर स्टोरी. क्योंकि ऐसे सेटअप में कोई बोलता नहीं है, बोलता पहली नहीं, बार नहीं, हाँ, तो वो पूरे ग्रुप का ओवरपावर मेरी स्टोरी से हो गया. देन उसके वो अटेंशन लेने से वो हो गया कि आपको ऐसा करना है. फिर GTO ने मेरे से पूछा होम स्टोरी डू अग्री. आई सेड सर आई थिंक माई स्टोरी वॉज द बेस्ट एज एवरीबडी सेज, लेट्स इट बी माई स्टोरी. सो आई वॉज कॉन्फिडेंट इनाफ. तो इसके बाद मेरा सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया, विच वॉज अ शॉक फॉर एवरी वन. ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट में भी नाम आ गया और मैं फौज की. कितना टाइम लगा था इस रिजल्ट और इस? सो 2009 नवंबर के अंदर मैंने SSB दिया था. अप्रैल 2010 में मैं अपनी ट्रेनिंग के लिए चली गई थी. हाँ, तो इस, तो अच्छा फिर तो चार पांच छह महीने उस महीनों में
अभी भी घर में चालू थे कि फुल टू लाइक ऐसा ऐसा सीन हो गया था, तेरा नहीं हुआ तो तू क्या करेगी, ऑल इंडिया मेरिट में नाम ना आया, रिकमेंड तो हो गई है, ऑल इंडिया मेरिट में नाम ना आया तो क्या करेगी, एज लाइक एक अटेम्प्ट और दूंगी या कहीं और कुछ और ट्राई करूंगी, शादी नहीं करनी है, शादी नहीं करनी जब तक पैसे नहीं आते अपने हाथ में, नहीं करने। ठीक है, तो उसके बाद भी आप नहीं मान रहे थे कि मैं तो वेट कर लेते हैं रिजल्ट तक देखते उसके बाद बोलना मेरे से, तो रिजल्ट आ गया और रिजल्ट आ गया फिर मैं फौज में गई। कैसे पता चला रिजल्ट, किसने बताया? ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट आ गई थी इंटरनेट पे, इंटरनेट के थ्रू लिस्ट में मेरा नाम थी, देखने देखने नहीं तब इंटरनेट पे आ गया था, वहीं देख लिया था, तो वो वहीं बोले तो इंटरनेट लैपटॉप लैपटॉप तो नहीं था लाइक वो जो कंप्यूटर होता है जनरली साइबर कैफे जाते थे ना उस टाइम पे हम रिजल्ट वगैरह देखने, आई थिंक मैं साइबर कैफे हाँ हमने वहीं पे देखा था, तो इट वाज हाँ तो वहाँ पे रिजल्ट आ गया, मैं बहुत खुश हुई। हाँ ठीक है, तो मैं बहुत खुश हो गई, घर वाले भी चलो खुश हो गए, भाई अफसर बन गई बेटी, अब फौज में बन गई, उन्होंने थोड़ा फंक्शन फंक्शन सा किया, सब खुश हो गए, गांव वाले भी आए, तो उसके बाद फिर ट्रेनिंग के लिए गई। अब लगा कि तो अभी आप ताज है, मतलब अभी तो मैं अफसर बनी नहीं थी, अब तो शुरुआत होगी नहीं क्या? लेकिन लोगों की नजरों में आप अफसर बन रही हो और आप एलिवेटेड हो सोसाइटी में, एक एलिवेटेड पोजीशन पे हो। आयरनी वाज राहुल कि क्योंकि मेरी फैमिली में किसी को पता नहीं था कि अफसर अभी नहीं बनी है, वो मुझे भी नहीं पता था, मुझे लगा ऑल इंडिया में नाम आ गया हो गया, बट आपको ट्रेनिंग पे जाना था, आपको वो टफ ट्रेनिंग क्लियर करनी है, सारे टेस्ट में पास होना है, तब आप हकदार बनोगे उन दो सितारों के आपके कंधों पे। तो द आयरनी विद इंडियन आर्मी इज दैट कि जस्ट बिकॉज आपका ऑल इंडिया मेरिट में नाम आ गया, आपके एसएसबी में हो गया, आप अभी भी अफसर नहीं बने हो। तो फिर मैं गई उस ट्रेनिंग पर और उस ट्रेनिंग ने तो मेरी हवाइयाँ उड़ा दी, मेरी क्या बड़े बड़े 30 मार्का लड़के लड़कियां, स्पोर्ट्स वाले लोग, एनसीसी वाले लोग, कुछ नेशनल प्लेयर्स भी थे वहाँ पे आए हुए थे। हाँ। और जब उन वो आए तो हम सबके परखच्चे उड़ गए वहाँ आके, तो क्या करवाते शुरू में? ओह गॉड, इट इज़ अ वेरी टफ ट्रेनिंग, अ सिविलियन कैन नॉट फैथम व्हाट काइंड ऑफ अ ट्रेनिंग इज दैट। सो इट्स लाइक इट्स अ ट्रेनिंग, जैसे हम फर्स्ट डे गए तो दो चोटी बनाई, बड़े लंबे बाल थे मेरे, इतने लंबे बाल, लाइक वेरी टिपिकल काइंड ऑफ अ गर्ल काइंड ऑफ अ लाइक आई वाज देयर, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के गई, सुंदर, पता नहीं जैसे मैं कहाँ जा रही हूँ, अफसर बनने जा रही हूँ। तो फर्स्ट डे हमको बार्बर शॉप भेज दिया गया, तीन चार लड़कियाँ मेरे साथ और थी, उनके भी लंबे लंबे बाल थे, तो मुझसे पहले एक आगे जाके बैठी, शी इज़ एन ऑफिसर, शी स्टिल सर्विंग, तो वो जब बैठी तो उनकी दो चोटी बनाई और काटी और उसके बाद रीजर चला दिया, वो रोने लग गई, ये क्या हुआ? मैंने पूछा बाल कटाने जरूरी है क्या? उन्होंने बोला नहीं, अगर नहीं कटाओगे तो तुम्हें डेली जूड़ा बनाना पड़ेगा, फिगर एट जूड़ा टाइप का कुछ हाँ, होता हाँ। तो मैंने कहा इतना टाइम तो बड़ा वेस्ट होएगा उसको बनाने में, हाँ। कहते ट्रेनिंग बहुत टफ है, तो हमारे जो सीनियर्स थे उन्होंने बोला कि बाल कटा लो, ट्रेनिंग बहुत टफ है, बाल धोओगे, शैम्पू करोगे, उसमें जुएं हो जाएंगी, परेशान हो जाओगे, टाइम वेस्ट है, ट्रेनिंग बहुत टफ है, कटा लो। मैं चले कटाई देती हूँ, फिर सामने देखा तो उन्होंने एक चोटी ऐसे बनाई, एक ऐसे बनाई, एक कैंची से यूं काटी, उसके बाद बाल ऐसे लटक गए। मैं कहा ये तो स्टाइल अच्छा लग रहा है, थोड़ा वेव्स से बन गए। फिर आया एक रेजर और वो रेजर जो उन्होंने ऐसे मारा, कटोरा कट और एक इंच बालों का, और हर हफ्ते कटिंग करानी होती है, आर्मी कट हाँ, और हर हफ्ते आपको कट कराना है, अगर आपके बाल बड़े हो जाएंगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। ओके, तो इतनी टफ ट्रेनिंग थी, वहाँ गए डेली भागना दौड़ना, फ्रंट रोल, बैक रोल, महाराजा पोजीशन। दिन का स्केड्यूल, दिन का स्केड्यूल बहुत ही टफ होता था। सुबह उठते थे हम लोग कितने बजे? कई बार तो सोते ही नहीं थे, ठीक है, कई बार तो पूरी रात भर रगड़ा चलता था, पूरी रात भर कीचड़ में रहते थे, उठा के हमको बोलते थे जाओ अब खड़े हो जाओ ड्रिल में चले जाओ, तो कई रातें तो ऐसी बीतती थी कि सोते नहीं थे। मोस्ट ऑफ द रात हमें 3 से 4 घंटे या 2 घंटे नींद मिल जाती थी, तो हम 4 बजे उठते थे, सारे अपने कपड़े तैयार करते थे, 2 ड्रेस तैयार करते थे, एक ड्रेस तैयार करते थे पीटी की, एक ड्रिल की तैयार करते थे, व्हाइट वाली होती है पीटी, पीटी वो शूज होते थे व्हाइट। अब जिस दिन पहले पीटी होता था ना फर्स्ट, तो बहुत ही ट्रॉमेटिक डे होता था, क्योंकि ड्रिल के अंदर आपकी यूनिफॉर्म बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। जिस दिन पहले ड्रिल होता था तो ईजी होता था, ड्रिल के कपड़े उतारे और पहन दिया, ठीक है, पर आपको ड्रिल यूनिफॉर्म इसलिए रेडी करनी पड़ती थी क्योंकि वो डेली चेक होती थी, और अगर ड्रिल उस्ताद ने आपको देख लिया, ड्रिल उस्ताद को ना जल्लाद बोलते थे, तो वेरी अमेजिंग पर्सन, लाइक आई वुड से जो भी कुछ हम हैं वो ड्रिल उस्तादों की वजह से हैं, बहुत ही बढ़िया वो लोग होते हैं, तो क्यों पनिशमेंट देते होंगे, पनिशमेंट्स देते हैं बहुत ही, ओ माय गॉड, दे आर द वन जो जल्लाद से आपको जल्लाद बना, जो भूत बना देते हैं आपका, बोलते तेरा भूत बन जाएगा, तूने भूत आज तक देखे नहीं होंगे पर हम तेरा भूत बना देंगे, उनके बड़े फनी डायलॉग्स होते हैं हाँ, तो वो ऐसे बोलते हैं तूने भूत देखा है, भूत देखा है, नहीं आज तू देखेगा तेरा भूत बनेगा, दे हैव डायलॉग्स लाइक दैट, सो वेरी फनी डायलॉग, बहुत हंसी आती थी, बहुत हंसी भी, दर्द हो रहा होता था, पसीने छूट रहे हैं, खून निकल रहे हैं, हंसी आ रही है, पर फिर भी हम काम करे जा रहे हैं। तो वो शुरू हुआ तो यूनिफॉर्म स्पिक एंड स्पैन करते थे, उनको स्टार्स को ब्रासो करते थे क्योंकि उनका चमकना बहुत जरूरी अच्छा, है, वो प्रॉपर नीट एंड क्लीन होनी चाहिए सब एकदम ओके, आपके शूज चमकते होने चाहिए, आपके शूज में जो नाल होती है लाइक ड्रिल करते हैं तो
जूतों के अंदर नाल लगी होती है, तो वो परफेक्ट वो टूटी नहीं होनी चाहिए, पैर उठा के वो भी देखा जाता है नाल तो नहीं टूट गई है, तो वो आपको लगातार अपने शूज भी स्पिक एंड स्पैन रखने पड़ते थे क्योंकि ड्रिल ग्राउंड पे फिर आवाज़ नहीं आएगी ना थंब की जब आप मारोगे, तो वो बहुत स्पिक एंड स्पैन होता था। उसके बाद हम वापस आते थे, नहाते थे, ब्रेकफास्ट के लिए मुश्किल से 15-20 मिनट मिलते थे, कोई अच्छा ही दिन चला जाए तो आधा घंटा मिल जाता था। ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट ऑप्शंस बहुत होते थे, एग्स भी होते थे नॉनवेज वालों के लिए, वेजिटेरियन के लिए ब्रेड्स होता था, जैम होता था, उपमा हो जाता था, कई बार तो हम पॉकेट्स में भर के लेके जाते थे, लाइक पॉकेट में ब्रेकफास्ट भरा, साइकिल चलाते चलाते खाया छुप छुप के। उसके बाद हमारी क्लासेस होती थी, पढ़ाई की क्लासेस, अब इतने फिजिकल टफनेस वर्क के बाद हमें वो पढ़ने को मजबूर करते थे, टैक्टिकल लॉ, मिलिट्री लॉ, ये वो सब कुछ। अब आ रही होती थी नींद क्लास में, सब सोते थे, जो सो जाता था उसको खिड़कियों पे लटका दिया जाता था स्पाइडर बना के। ठीक है, लटका कॉलर ये वाला ऐसा? नहीं, आप एक खिड़की ऐसे पकड़ो, एक ऐसे, एक पैर उस जंगले में हटाओ, एक उसमें आप स्पाइडर। तो सब ऐसे बनते थे और मुझे बहुत नींद आती थी, मेरे साथ वाले सभी को नींद आती थी, बहुत बुरा हाल था। नींद कब तक आई होगी? नींद 15 दिन तक पूरे खड़े होके सोते थे फिर तो। अच्छा। ऐसा हाल हो गया था, इतना फिजिकली आप टायर हो जाओगे, आप फिजिकली इतना, फिजिकली नहीं मेंटली भी आप इतना एग्जॉस्ट हो जाओगे, इट्स ऑल अ मेंटल। फिर ये जो आप पढ़ाई करा रहे थे कब तक, किस टाइम तक कराते हैं? पढ़ाई तो चलती है फौज में, तो पढ़ाई दिन का टाइम, दिन का टाइम लंच के टाइम तक पढ़ाई होती थी, फिर आप लंच करते थे, लंच के बाद आपको रेस्ट टाइम मिलता था। तो रेस्ट बोले तो कितना टाइम? 1-2 घंटा, ताकि गेम पीरियड चलता था 4:30-5 बजे के बाद। तो होता क्या था कि हमारी कंपनी ना थोड़ी सी शरारतियों वाली कंपनी थी, तो हमें तो दोपहर को भी पनिशमेंट मिल जाती थी, तो कई बार हमें दोपहर का भी टाइम मिलता। कैसे शरारत कर देते थे? मतलब जैसे टेस्ट में फेल हो गए, कंपनी इवेंट में अच्छा परफॉर्म नहीं करा, किसी को साइकिल गैंग में एक बंदा मिसिंग था, कोई अकेले ड्रिल अच्छे से नहीं कर रहा था, बहुत तरीके की पनिशमेंट्स होती हैं वहाँ पे, तो वो मिल जाती थी। तो वैसे वाले ऐसा नहीं, बंक वाला नहीं है, क्योंकि बंक अकेडमी से बाहर निकलना है क्या? बहुत बुरा हाल था। तो लोग छोड़ छोड़ के भाग गए 15 दिन के अंदर, जिन्होंने जाना था वो सब निकल गए 15-20 दिन के अंदर ही, एक महीने के जब लोग जा रहे थे तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था? बिल्कुल मेरे दिमाग में ये बात आई कि जैसे जो हम लीगल ब्रांच वाले थे, हम सभी वो लोग थे जो बड़ी बड़ी लॉ फर्म्स में काम करने के बाद फौज ज्वाइन करी थी। अब आप लॉ फर्म में अच्छा पैसा कमा रहे हो, आपकी इज्जत हो रही है, रिस्पेक्ट हो रही है, लग्जरियस लाइफ, या एंड सडनली आप यहाँ पे आते हो और आपकी बैंड बज जाती है, यू आर ट्रीटेड जस्ट लाइक अ स्लेव, मिट्टी कर दिया आपको, मिट्टी कर दी। तो बहुत लोग थे जिनको ये अच्छा नहीं लगा, उन्होंने बोला आर लाइफ आउटसाइड वॉज वेरी गुड एंड वी आर नॉट मेंट टू गो थ्रू दिस रगड़ा। मेरे मन में भी एक बार ख्याल आया कि ये तो सही है यार, मैं तो खुद लॉ फर्म में काम कर रही थी, आई वॉज अर्निंग वेल, मैं अच्छा खासा कर रही थी, मैं क्यों यहाँ पे पिस रही हूँ, और मुझे तो जज बनना था, वाई एम आई इन द इंडियन आर्मी। बट कहीं ना कहीं वो मन में ख्याल था, वो एक जज्बा होता है ना कि यार अब नहीं छोड़ सकती, अब नहीं जा सकती, इज्जत पे सवाल है, नहीं अब मैं पहली प्रेशर है शादी का, ऊपर से बाहर गई तो लोग बोलेंगे कि फौज की वो छोड़ आई। मैंने कहा ऐसे कैसे छोड़ दूँगी, छोड़ के नहीं जाऊँगी। तो आई कंटिन्यूड, मेरे को पेल्विक फ्रैक्चर भी हो गया था। ट्रेनिंग कितने टाइम के बाद हुआ? आपने मेंशन किया है कि चेन्नई में जब ट्रेनिंग कर रहे थे, 6 महीने में हो गया था मुझे फ्रैक्चर ना। इनिशियली में मेरा फ्रैक्चर, मेरे को पेन शुरू हो गया था पेल्विस में, तो वो एक हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ था जो बाद में इतना मैं रोप से गिर गई तो वो ज्यादा बढ़ गया था। वो क्यों हो रहा था? आपको लगता है कि रेस्ट ना मिलने की वजह से? आई थिंक फिजिकली मैं पहले से प्रिपेयर्ड नहीं थी। तो जो लोग फिजिकल एक्टिविटीज में पहले से प्रिपेयर्ड नहीं होते, उनको वहाँ जाके इंजरीज होने का खतरा रहता है। तो इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ लड़कियों को बचपन से ही स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करानी चाहिए, बिकॉज स्पेशली लड़कियों का पेल्विस बहुत कमज़ोर होता है, है ना, और पेल्विस ही लड़कियों के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, बिकॉज वहीं पे बच्चा आप पैदा करोगे तो पेल्विस स्टोर करेगा। तो ट्रेनिंग पे जब ड्रिल करते हैं हम, और जो आप बोल रहे हो ना कि पहले से करानी चाहिए, मेरे को लगता है कि ये फिटनेस लाइफस्टाइल लड़कियों को इसलिए भी बोल सकते हैं क्योंकि उनका इग्नोर कर दिया जाता है। बिल्कुल, इसको चल, इसको लड़की तू इधर आ जा, मतलब या फिर तुम ऐसा करो, तुम सोफिस्टिकेटेड तरीके से रहो, उनको बहुत सॉफ्ट मुझे रियलाइज हुआ कि जब इंजरी हो गई थी उसके बाद आपको टाइम दिया 21 दिन का कि जाओ रेस्ट करके आओ, फिर आप आए वापस? वापस आए, मेरा फ्रैक्चर अभी भी हील नहीं हुआ था फुली, ठीक है। तो उस अनहील्ड फ्रैक्चर के साथ ही मैंने अपना सेकंड टर्म करा और क्लियर कर लिया एग्ज़ाम धीरे धीरे। लटक पटक के, गिर गुर के, जो बुरे हालात थे मेरे, मैं बता नहीं सकती आपको। स्विमिंग में मैं 3 बार फेल हुई स्विमिंग में, चौथे अटैम्प्ट में मेरा स्विमिंग क्लियर हुआ। पेल्विस में पेन रहता था, शेप स्विमिंग में तो
पैरों की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट. एंड हम वो बोलते थे बटरफ्लाई पोज करो, उसके लिए तो और आपको पैरों को ऐसा करना है, जैसे पेल्विस पे फिर पेन होता था, बट ट्रेनिंग क्लियर करनी बहुत जरूरी थी. हेयरलाइन फ्रैक्चर धीरे धीरे, जो फ्रैक्चर था वो धीरे धीरे हील हुआ, बट दर्द रहता था. रेस का बताते हो कि एक रेस थी उसमें अप्रिशिएट क्या था, अप्रिशिएट वो जो एप्रिशिएशन करके जो एक गॉड वो क्या हुआ था कि हमारा मेरे, क्योंकि मैं बहुत ही गंदा परफॉर्मेंस कर रही थी बिकॉज ऑफ माय फ्रैक्चर एंड ऑल दैट, तो हमारा लास्ट 5 किलोमीटर्स बीपीटी रन था. तो क्या हुआ, लास्ट क्यों बोल रहे हैं उसको, क्योंकि वो हमारा लास्ट कंपनी इवेंट था, इसके बाद हमारी पासिंग आउट परेड होनी थी, तो इसके बाद हमें स्टार्स पहनाने थे, सारे टेस्ट क्लियर हो गए थे, कंपनी इवेंट लास्ट बचा था, तो उसमें हमारा कॉम्पिटिशन था जिससे कंपनी को पॉइंट मिलते हैं. तो वहाँ पे ना एक ऐसे कंपटीशन होता है, उसमें तो मैं सेकंड आ गई थी, मतलब बढ़िया लिखने में, स्टूडियस टैक्टिक्स के एग्जाम में हाईएस्ट नंबर, सब बढ़िया था, पर फिजिकल में थोड़ा बैंड बज गया था. बट उस दिन जो आखिरी दिन था, आई थिंक एकेडमी के 11वें महीने ने मुझे जो लेसन दिया वो मेरी लाइफ का ऐसा लेसन बना कि मैं आज तक उसको फॉलो कर रही हूँ. तो वो लेसन ये था कि जब मैं भागने जा रही थी तो मेरी एक इंस्ट्रक्टिंग स्टाफ ने मुझे आके बोला कि भड़ाना तू रहने दे, तेरे बस की बात नहीं है. मैंने, उन्होंने पूछा किस में आएगी, पास तो हो जाएगी ना, मैंने कहा एक्सीलेंट में आऊँगी. तो उन्होंने बोला कि एक्सीलेंट में आएगी, कैसे आएगी, तो मैंने आज दिखाती हूँ तुमको कैसे आऊँगी. तो वो मन के अंदर ऐसा हुआ कि मुझे बोल कैसे दिया कि मैं एक्सीलेंट में नहीं आ सकती. तो उस दिन जो मैं भागी, मैं रुकी नहीं, मैंने अपनी कंपनी के सबसे अच्छे रनर को पकड़ा, मैं उसके पीछे पीछे भागी और मैं एक्सीलेंट में थी. तो उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये सारा खेल दिमाग का है, यू नो, आपका ह्यूमन बॉडी कुछ भी कर सकता है. एक बार आपको अपना मन तैयार करना है. कई बार वो मन कैसे तैयार होगा, कई बार तैयार होगा किसी ने आपको कुछ खरी खोटी बातें बोल दी, तेरे बस की बात नहीं है, तू रहने दे, तो गुस्सा आएगा, रेज आएगा, ऐसे कैसे नहीं है. कई बार ऐसे आएगा कि किसी ने आपको पुश करा, मोटिवेट करा, है ना, कि तू कर सकता है, तू कर सकती है, कर ना, तू कर सकती है, तो आपको लगे हाँ मैं कर सकती हूँ, देन यू विल गो अहेड एंड डू इट. समटाइम्स आपको अंदर से अपने वो किक लानी पड़ेगी, कई बार मजबूरियाँ आपको वो काम कराएंगी, पर पहले दिमाग प्रिपेयर होगा. तब तक दिमाग, कहते हैं ना वो जो जंग होती है ना, वो पहले दिमाग से बंदा हारता है, उसके बाद बैटल ग्राउंड में हारता है. तो सेम हम इंसानों के साथ है. और वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि इस चीज़ को हम वैसे भी देखते हैं कि जब हमारे मन का काम होता है तो हम रात भर भी जग लेंगे, और जब बिल्कुल कोई बिल्कुल भी मन नहीं है और कुछ नहीं करना, फिर उसके लिए आधा घंटे बाद, 10 मिनट बाद ही मज़ा नहीं आ रहा, ये तो अच्छा बोर हो जाएंगे. अपनी जगह से भी होता है ऐसा कि किसी जगह बैठे हैं जहाँ मज़ा नहीं आ रहा, वहाँ भी 5-10 मिनट टाइम देखते रहेंगे, पर किसी बंदे के साथ हैं जिसके साथ, उसके साथ एक घंटा आधा घंटा पता ही नहीं चलेगा कि अरे कितनी जल्दी टाइम निकल गया. तो ये इट्स ऑल इन आवर ब्रेन, राइट, एब्सोल्युटली. तो जब आपको ये रियलाइज़ हुआ कि मैंने ये, मतलब मेरे दिमाग में एक ख्याल, उसने मेरे को पिंच किया, तो आपको कब रियलाइज हुआ, पास वास हो गए, घर आ गए, एक्सीलेंट क्लब में भी, मतलब आप बाहर, आपको पास कर दिया उन्होंने, फिर उसके बाद ये इतना टाइम था, इतनी समझ थी आपको. में जो सर्विस थी ना, हाँ, वो बहुत टफ थी, इजी नहीं थी, हाँ, बहुत चैलेंजेस. और अभी मेडिकल तो चल ही रहा है, ठीक हो गई थी, फ्रैक्चर ठीक हो गया था, बट उसके बाद 2-3 साल शुरुआत के बहुत अच्छे बीते, जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी, ठीक है. फिर घर वाले भी इवेंचुअली मान गए, क्योंकि मेरे हस्बैंड का जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम क्लियर हो गया, एंड ही बिकेम अ जज. तो जो मैं नहीं बन पाई, मेरे हस्बैंड बन गए. हाँ. तो अब फैमिली मना कैसे करती, भाई जज साहब है, कैप्टन भाई, इंडियन आर्मी ऑफिसर है, इनकी शादी कैसे नहीं होगी. हम दोनों की शादी हो गई. प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब मैं एक माँ बनी, यू नो. सो जब मैं आई गेव बर्थ टू माई फर्स्ट डॉटर, क्योंकि फौज जो होती है ना, इंडियन आर्मी, इट्स नॉट अ जॉब, इट्स नॉट अ प्रोफेशन, इट्स अ लाइफ स्टाइल, ठीक है. और इंडियन आर्मी कभी भी, मतलब आप ये नहीं सोच सकते कि फैमिली लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ हमारे फौजी, हमारे सोल्जर सब करते हैं. बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ होता है, ठीक है. तो जब मैंने अपनी बेटी को जन्म दिया, तो 6 महीने की मेटर्निटी लीव के बाद नेक्स्ट डे ही जो हमारा सिग्नल था, जो डाक आती है, उसके अंदर मेरी ड्यूटी एलोकेट हो गई थी टू गो फॉर अ कोर्ट मार्शल इन पठानकोट. मैं उस टाइम अपनी बेटी को ब्रेस्ट फीड करा रही थी. Shit. एंड आई वॉज अंडर शॉक. आई जॉइंड द ऑफिस आफ्टर 6 मंथ्स. मैं स्टिल रिकवर कर रही हूँ. मेरे को पोस्टमार्टम डिप्रेशन हो चुका था, और मुझे नहीं पता था मुझे पोस्टमार्टम डिप्रेशन है, बिकॉज उस टाइम पे लोग डिप्रेशन के बारे में बात नहीं करते थे. मैं बहुत ही लॉस्ट फील करती थी, कनेक्टेड फील नहीं करती थी. मेरा वेट बढ़ गया था 20 किलो. हाँ, मुझे नई यूनिफॉर्म सिलवानी पड़ी, ठीक है. आई वॉज लिटरली, मेरे को नई यूनिफॉर्म सिलवानी पड़ी. मैंने साड़ी पहनी यूनिफॉर्म में काफी टाइम तक, बिकॉज वेट इतना बढ़ गया था. मेंटली खुद को अपने आप को शीशे में देख के अच्छा नहीं लगता था. कई बार ऐसा लगता था यार कोई क्या बोलेगा, ये इंडियन आर्मी ऑफिसर इतनी मोटी कैसे हो गई है. बट इट वॉज अ लॉट गोइंग ऑन, हॉर्मोनल डिस्टर्ब, फिजिकल डिस्टर्बेंसेस. फिर मुझे रियलाइज हुआ कि यार जो मेरे अंदर की यंग जज्बे वाली लड़की थी ना, वो सडनली ना वीक हो गई माँ बनने के बाद, ठीक है. बिकॉज क्या हुआ कि ये ना बड़ा ही जनरलाइज्ड सा स्टेटमेंट है कि लड़कियाँ, कौन सी बड़ी बात है, हर
मिनट बच्चे पैदा होते हैं, बहुत औरतें जन्म देती है, बट लड़कियों को ना कोई एजुकेट नहीं करता कि जब तुम बच्चा पैदा करोगे ना तो तुम्हारा शरीर बिल्कुल चेंज हो जाएगा. और इंडियन आर्मी के अंदर ना इट्स नॉट अबाउट बॉय और गर्ल, भाई उनको तो काम चाहिए. फौज में, और फौज में बोल सकते हो मैं लड़की हूँ क्योंकि मैंने बच्चे को जन्म दिया, मैं ड्यूटी पर नहीं जाऊँगी. तो मैं उम्मीद लेके अपने सीनियर ऑफिसर के पास गई भी कि सर क्या मुझे आप एक महीने बाद डिटेल कर दोगे, क्योंकि मैं एक महीने में अपने बच्चे को सेटल कर दूंगी, है ना, बड़ा डिफिकल्ट हो रहा है. उन्होंने कहा देखो रितु, दिस इज अ कोर्ट मार्शल ऑफ एन सेक्शुअल ऑफेंस, और सेक्शुअल ऑफेंस भी किसी बच्ची का हुआ है और मुझे आपको ही भेजना पड़ेगा क्योंकि आप यू आर अ फीमेल. मैंने अपनी प्रेगनेंसी में भी कोर्ट मार्शल करे थे जब मैं प्रेग्नेंट थी, मैं तब भी कोर्ट पर, तब भी मुझे कोई ज्यादा जोर नहीं पड़ा बिकॉज प्रेग्नेंट हूँ, बच्चा अंदर है, मैं प्रेगनेंसी में जाके कोर्ट मार्शल करके आई हूँ. बट छोटे बच्चे के साथ वाला आई एम ब्रेस्ट फीडिंग वाला आई एम रिकवरिंग, इट वॉज बहुत मुश्किल. तो मैंने उनसे बोला, तो अब मेरे सीनियर ऑफिसर की इसमें कोई गलती नहीं है, वो कह रहे भाई मेरे पास ऑफिसर ही नहीं है इस रैंक की, इस कैटेगरी की, तुम ही ऑफिसर हो और तुम ही जा सकती हो. अब वो अपनी तरफ से परेशान, वो कहाँ से लाएं, कोर्ट मार्शल होना भी ज़रूरी है बंदे का. तो मैंने पूरा इंतज़ाम किया, मैंने एक नैनी हायर करी, उसको 24 घंटे के लिए उसको रखा, मैंने पूरा इंतज़ाम, बच्चे के पूरे खिलौने विलौने, दूध की बॉटल, मैं ब्रेस्ट फीड कराई थी फिर मैं उसको शिफ्ट करना था दूध बॉटल में डालने के लिए. मैं अपनी छोटी बच्ची को लेकर पठानकोट गई. अब उस टाइम की बात है पठानकोट में ना थोड़ा डिस्टर्बेंस चल रहा था रिगार्डिंग, राम रहीम वाला नहीं, वहाँ पे कुछ टेररिस्ट अटैक हुआ था, कोई एक छोटा कुछ बीच में हुआ था. तो उस टाइम पे क्या किसी गाड़ी में चार लोग थे और कुछ उस टाइम पे प्रॉब्लम हुआ था. तो मैं वहाँ गई, वहाँ पे मामून कैंट है, तो उधर जब मैं वहाँ गई तो उसके बाद कोर्ट मार्शल शुरू हुआ, जो भी कोर्ट मार्शल्स थे वो मैंने करे. अब वहाँ पे जो मेरी डॉटर थी उसको लूज मोशंस हो गए, 6.5 महीने का बच्चा. हाँ, अब 6.5 महीने के बच्चे को पानी सूट नहीं किया, सडनली मैंने उसको ब्रेस्ट फीड से और फॉर्मूला मिल्क पे ले आई क्योंकि मैं कोर्ट मार्शल में रहती थी ना. तो अब बच्चे को जब भूखा है, छः महीने के बच्चे को सॉलिड इंट्रोड्यूस करा दिए थे, तो खाना वो एकदम से बच्चा एकदम से नहीं, 6 महीने तक आप उसको खाना नहीं दे सकते 6 महीने के बाद. और उस टाइम पे CCL इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी, चाइल्ड केयर लीव उस टाइम पे नहीं आई थी, वो बाद में आई है चाइल्ड केयर लीव. तो मेरे पास ये भी ऑप्शन नहीं था कि मैं चाइल्ड केयर लीव ले लूँ. तो हुआ क्या कि उसकी तबीयत ख़राब हो गई. अब पठानकोट का जो हॉस्पिटल है वहाँ पे बच्चों का डॉक्टर ही नहीं, ठीक है, उस टाइम पे. तो मैं सिविल में गई, पूरा अपना तामझाम लेके, पूरी सिक्योरिटी के साथ सिविल में अपनी डॉटर को लेके गई. बहुत ही ज़्यादा मेंटल फिजिकल टर्मोइल बढ़ता गया, ठीक है, कि छोटे बच्चे को देखना है, कोर्ट मार्शल करना है, घर से दूर हूँ. जो मेरे साथ नैनी आई हुई थी बेचारी, जो लेडी मेरे साथ वहाँ पे आई हुई थी, उनकी भी एज ज़्यादा थी, उनकी भी तबीयत ख़राब रहती थी. इट वॉज़ अ टर्मोइल. मैंने 1-1.5 महीने में कोर्ट मार्शल ख़त्म करा, मैं वहाँ से वापस घर आई, वापस आते ही मेरे को दूसरी कोर्ट मार्शल ड्यूटी के लिए डिटेल कर दिया गया. Shit. तो मुझे शांति का टाइम भी नहीं मिला, ठीक है. एंड मैं फिर दोबारा गई कोर्ट मार्शल ड्यूटी के लिए. सेम लोकेशन पठानकोट? नहीं, दिस टाइम इट वॉज इन जम्मू. तो मैं फिर जम्मू गई, फिर बच्चे को लेके गई. पर लकीली जो मेरा एक्सपीरियंस इस टाइम पे था, मैंने अपने सीनियर फौज में, बात यह है कि अगर आप कुछ कन्वे करते हो ना तो वो आपकी बात सुनते हैं. तो जहाँ पे कोर्ट मार्शल था, मैंने वहाँ के कमांडिंग ऑफिसर से रिक्वेस्ट किया कि सर मेरा छोटा बच्चा है, वो भी 8 महीने की है, और आप प्लीज़ कुछ ऐसे अरेंजमेंट्स करें. तो उन्होंने मुझे पूरा एक अकोमोडेशन फॉल फर्निश्ड बना के मेरे लिए दे दिया, और उन्होंने दूध का इंतजाम कर दिया, उन्होंने एक डेडिकेटेड बंदा मेरे पास रख दिया जो हेल्प करेगा. बिकॉज ऑफकोर्स मेरे को, मैं आई एम अ कोर्ट मार्शलिंग ऑफिसर, मैं जूरी को गाइड करने के लिए हूँ वहाँ पे, मुझे लीगल पढ़ना है, न्यूएंसेस देखने हैं, विटनेसेस को सुनना है, क्योंकि ज्यूरी मेंबर्स लॉ ग्रेजुएट नहीं होते. तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अगर मैं बच्चे के बारे में टेंशन लेती रहूँगी तो कैसे? और छोटा बच्चा है, वो ट्रांजिशनिंग फेज पे है, एकदम से अपने घर वालों के पास भी नहीं छोड़ सकती. तो मन में ये ख्याल आया कि अगर मुझे पता होता कि मदरहुड इतना डिफिकल्ट होगा तो शायद मैं इस वक्त मदरहुड का ऑप्शन नहीं लेती. True. शायद मैं अपने आप को प्रिपेयर करती और उसके बाद मदरहुड की तरफ जाती, ठीक है, क्योंकि एक बच्चे को लाना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अब इसमें एक ऐसे फेज ऑफ लाइफ में आ गई थी, ना तो मैं अपने प्रोफेशन के साथ जस्टिस कर पा रही थी, ना मैं अपने माँ होने पे जस्टिस कर पा रही थी, ठीक है. मेरे को मेमोरी लॉस होना शुरू हो गया उस टाइम पे. मेरा फर्स्ट फेज था कोविड के बाद, वो इलॉन्गेट हो गया, पर उस टाइम पे वो शुरू हुआ. मुझे याद है कि मेरे सीनियर ऑफिसर्स मुझे बोलते थे तू बादाम खाया कर, तेरे को क्या हो गया है, क्योंकि मैं अपने यंग ऑफिसर्स कोर्स की टॉपर थी, ठीक है. मैं OTT NCA रनिंग ट्रॉफी, मेजर जनरल AB गोरथी रनिंग ट्रॉफी अवार्ड्स मैंने जीते थे एज अ जैग ऑफिसर. तो उसके बाद ऐसा होना, वो क्यों हो रहा था? बिकॉज मैं एक मदरहुड के फेज में फ्रॉम अ यंग गर्ल ट्रांजिशन नहीं किया अच्छे से, उसके बाद सडनली मेरे पास ये प्रेशर आ गया ऑफ करने का, ठीक है. तो अगर मैं मदरहुड के लिए प्रिपेयर होती तो मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी तैयार रहती, ठीक है. वो कोर्ट मार्शल मैंने कर दिया, तो उसके बाद एक आदत सी हो गई कोर्ट मार्शल करना, बच्चे के साथ जाना. माई बच्चा वॉज ऑल्सो रूटीन, माई डॉटर ऑल्सो गॉट यूज टू इट. तो फिर मुझे कोई ज़्यादा टेंशन नहीं थी. बट एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मैं एक 2 साल की बच्ची का कोर्ट मार्शल करने गई, 2 साल के बच्चे था. तो
उस दिन मेरा दिल दहल गया. और उस टाइम पर मेरी डॉटर 1.5 साल की हो चुकी थी. जब मैंने वो केस हैंडल किया तो उस टाइम पर मुझे लगा कि आज मैं इस कुर्सी पर बैठ कर हाँ किसी को पनिश कर रही हूँ, किसी को पनिश करवाने में हेल्प कर रही हूँ, किसी 2 साल की बच्ची का मोलेस्टेशन होने में. और वहाँ बैठ के मुझे इस बात पे गुस्सा आ रहा था कि मम्मी घर पे क्यों नहीं थी जब ये हुआ. मैं कहा मेरी बेटी आज अकेली किसी और के पास है और मैं यहाँ बैठ के किसी और को जज कर रही हूँ कि उसकी मम्मी घर पे नहीं थी, उन्होंने उस बच्ची को किसी और के केयर में क्यों छोड़ा और मेरी खुद की बच्ची किसी और के केयर में है. उस दिन मेरा दिल दहल गया. दिल मतलब मैं आपको बता नहीं सकती. आई थिंक मेरी अंदर की माँ थोड़ी थी ना वो जाग गई. ठीक है, फिर मैंने अपने हस्बैंड से बात करी कि हम कैसे इसको फिगर आउट कर सकते हैं. अब क्योंकि उनका स्टेट सर्विस था, मेरा सिविल सर्विस था, तो मेरी पोस्टिंग एक बार ही मैनेज हो सकती है हस्बैंड के साथ, बार बार नहीं हो सकती. भाई फौज में आप आए हो, फौज का एक सिंपल रूल है, आपने ओथ ली है दैट योर नेशन कम्स फर्स्ट ओवर एनीथिंग. ठीक है, बट मैं ऐसी स्टेट में थी जहाँ पे पोस्टमार्टम डिप्रेशन नाम की चीज़ को रिकॉग्नाइज कोई नहीं कर रहा था, बट आई वॉज सफरिंग फ्रॉम इनसाइड और मुझे लग रहा था कि वो मेरे काम पे दिखाई दे रहा है. आई वॉज नॉट एबल टू गिव जस्टिस टू द वर्क आई एम डूइंग पर्सनल लाइफ के पर्सनल लाइफ को देख रहा है. तो फिर एक नोटिफिकेशन थी फौज की ना कि आफ्टर सर्विंग फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ अ टाइम यू कैन अप्लाई फॉर रिलीज. तो जब मेरे वो सर्विस के टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट खत्म हो गए, हाँ 5 साल, तो उसके बाद फिर मैंने अप्लाई किया एंड मेरे को ईजिली रिलीज मिल गया फौज से. तो इट वाज नॉट अ रेजिग्नेशन, इट वाज अ रिलीज. ठीक है, तो जब मैंने वो छोड़ा तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया दैट आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन प्रिपेयरिंग वुमेन फॉर मदरहुड. क्योंकि आजकल के ज़माने में लड़कियां एम्बिशियस भी हैं. अगर अपने एम्बिशियस को फुलफिल करना है कहीं ना कहीं, अगर आपके पास फैमिली का सपोर्ट नहीं है या फिर आप एक ऐसी जॉब में हो जहाँ पे आपको बार बार ट्रांसफ़र होना है, तो एक वो सेपरेशन एंग्जाइटी बीइंग अ मदर, नॉट बिकॉज आप नहीं चाहते बट आपके हॉर्मोन्स इतने एक्टिवेट हो जाते हैं ना एज अ फीमेल. आप लाइफ में कुछ ना कुछ करना चाह रहे हो, आप कुछ बनना चाहते हो. मैं बहुत बनना चाहती थी, एम्बिशियस गर्ल, वेरी स्ट्रांग ओपिनियनेटेड, बट मेरे हॉर्मोन्स प्रेगनेंसी वाले इतने कंट्रोल करने लग गए मुझे कि मेरे लिए मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो गया. साथ में फैमिली, मेरे दादा दादी अभी अलाइव हैं, मेरे हस्बैंड के दादा अलाइव हैं, अलाइव थे उस टाइम पर, अब नहीं है वो. तो मेरे सास ससुर और मेरे मम्मी पापा अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल रख रहे थे, तो वो मेरे पास शिफ्ट भी नहीं हो सकते थे. राइट, इट वॉज टफ. भी क्यों करें, बिल्कुल कि वो करें, हाँ क्योंकि वो बेबी हमारा है, लास्ट में रिस्पांसिबिलिटी तो हमको ही उठानी पड़ेगी ना. बिल्कुल. तो मुझे, मैं जब किसी ने मुझे कहा मेरी मदर ने काम कर तू कंटिन्यू कर और बच्चे को हमारे पास छोड़ दे, हम इसको देखेंगे, एक मैंने उसको पैदा क्यों किया है जब बच्चा मेरे पास ही नहीं रहेगा. व्हाट आर वी फॉर, मदर एंड फादर. तो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन जिन्होंने इतने हार्श डिसीजंस अपने बच्चों के लिए लिए हैं, पर उस टाइम पे मेरा मन नहीं माना. तो मुझे ऐसा लगा कि इस यूनिफॉर्म के लिए कोई और ज़रूर आ जाएगा पर मेरे बच्चे के लिए दूसरी माँ नहीं आ पाएगी. है ना, उसका वो टाइम निकल जाएगा. और जो एक्सपीरियंस, जो यू नो आई थिंक जो स्ट्रेंथ मैंने इंडियन आर्मी से सीखी, इट इज़ अ ब्यूटिफुल ऑर्गेनाइजेशन. लाइक इट एम्पावर्ड मी अप टू सच एन एक्सटेंट कि जो एक गाँव की सहमी हुई लड़की जिसको 6 बजे के बाद घर से जाना अलाउड नहीं था, वो 2:30 बजे ड्यूटी ऑफिसर बन के संतरी चेक पे जा रही है. ठीक है, मैं ऐसे ऐसे एरियाज में रही हूँ जहाँ पे मैं अकेली लेडी ऑफिसर थी, कोई भी फीमेल ऑफिसर नहीं थी. स्पीकिंग अबाउट कोर्ट मार्शल, क्योंकि वो आपने टॉपिक उठाया है, और इतना पहले तो मैं उस चीज़ पे आता हूँ, जो प्रॉब्लम थी कि मदरहुड बैलेंस करना प्रोफेशनल लाइफ के साथ और पर्सनल लाइफ के साथ, तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम दिख गई. अब तो आप देख सकते हो ना पीछे विजन, उसको हाई लेवल से देख सकते हो. तो आपको क्या लगता है, क्या सोल्यूशन बनता है कि उस टाइम पर डिले कर देना चाहिए बेबी को, मतलब क्या हम तो कितना डिले करना चाहिए? आई थिंक डिले से ज़्यादा आपको अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए, या फिर हाँ पहले से ही ऑप्शंस देखने शुरू कर देने चाहिए कि अगर मेरा बच्चा हो जाता है अभी तो जॉब में क्या मुझे एडवांटेजेस हैं. देखो फौज जब आप ज्वाइन करोगे ना, आर्मी में आप ये नहीं बोल सकते बिकॉज आई एम अ फीमेल तो मुझे ये प्रिविलेज दो. दिस इज़ वेरी रॉन्ग. यू नो वाई? बिकॉज इंडियन आर्मी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे देश की रक्षा के लिए काम कर रही है. यार एज अ फीमेल यू कांट आस्क फॉर प्रिविलेजेस. हाँ, अगर आपको इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी है तो यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड. ओके, दैट वो इमोशनली और फिजिकली ड्रेनिंग होगा. ठीक है, और अगर आप उस टाइम पे यू आर प्रिपेयरिंग टू गो टू मदरहुड, देन प्रिपेयर फॉर मदरहुड फिजिकली मेंटली. ध्यान रखो कि आपको आगे जाके ड्यूटीज पे जाना पड़ेगा, तो आपके बच्चे को कौन देखेगा कि आपके घर में से कोई होगा?
ठीक है, जनरली मदर जो मतलब मदर, उस बंदे की, हाँ आपकी मदर इन लॉ, आपके फादर इन लॉ, आपके हस्बैंड, या आपकी अपनी मदर पीछे से देखें, या फिर आपकी, आपको ऐसे प्लान करना पड़ेगा, मौसी वगैरह बेसिकली जो कोई भी गाइडेंस में रहे वैसा। हाँ, क्योंकि बच्चे को इनिशियल स्टेजेस में जरूरत होगी, आपको अपनी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी अकॉर्डिंगली प्लान करनी पड़ेगी, आपको अपने ऑफिस में अपने जो सीनियर्स हैं उनके साथ बात करके कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना पड़ेगा कि आप हर घंटे बच्चा, जैसे कोई क्रेच बना दिया ऑफिस के पीछे, बच्चा वहाँ है, आप उसको फीड करा रहे हो, आप उसको दूध पिला रहे हो, फिर वापस आके ऑफिस में काम कर रहे हो। मैंने ये भी किया है, बट वो थोड़ा डिफिकल्ट हो गया था, ये अपॉर्चुनिटी मैंने यूज़ करी है, बट इट बिकेम डिफिकल्ट। दूसरा, आर्मी में आप ये नहीं बोल सकते कि मेक आर्मी कन्वीनियंट फॉर फीमेल्स, यू कांट गो एंड टेल इंडियन आर्मी कि इंडियन आर्मी को कन्वीनियंट बना दो फीमेल के लिए। सभी बोलेंगे ना, सभी बोलेंगे फिर तो, इट्स अ प्रिविलेज, यू कांट यूज इंडियन आर्मी टू एम्पावर वुमेन इन टर्म्स ऑफ कि मेक इट कन्वीनियंट। एज अ वुमेन यू हैव टू डिसाइड वेदर दिस प्रोफेशन इज मेंट फॉर मी और नॉट। अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर दोज जिन्होंने आपसे पहले जॉब करी, और बच्चे अपने, एंड ह्यूज रिस्पेक्ट टू दोज जो आज तक बच्चों के साथ इंडियन आर्मी में सर्व कर रहे हैं। देयर आर फीमेल सर्विंग एब्सोल्युटली ब्यूटीफुली मैनेजिंग इट सो वेल। पता नहीं क्या क्या चैलेंजेस फेस किए और उनके टाइम पे तो ये फिनोमेना भी नहीं था, ऐसे हेल्प भी नहीं है जो आपने। आई नो ऑफिसर्स जिन्होंने कारगिल वॉर के टाइम पे अपने बच्चों को वहाँ पे रखा है अपने साथ, आई नो फीमेल ऑफिसर्स दे वर। सो आई थिंक मेरी लाइफ के जो भी डिसीजंस थे, मेरे को उस पर बिल्कुल भी एक मिनट के लिए भी रिपेंटेंस नहीं होता है, बट एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक ये सारे एक्सपीरियंसेस, लाइक मेरा लॉयर बनना, मेरा साइकोलॉजी पढ़ना, मेरा इंडियन आर्मी में जाना, वो मुझे एक ऐसी स्ट्रेंथ दिए जा रहे थे। कोविड के बाद मेरा मेमोरी लॉस हो जाना, मैं वो डिप्रेशन से सर्व करना, डीप पर्सनलाइजेशन हो जाना। तो ये शुरू में आपको केसेस दिखने शुरू हो गए थे कि मेमोरी लॉस का एक थोड़ा जैसे ही वो हार्मोनल सेटल हुए मैं ठीक हो गई थी, वेट लूज हुआ, मैं ठीक हो गई थी, वेट लूज होने के बाद, बट दैट वाज ऑल हार्मोनल फ्लक्चुएशन। उस समय क्योंकि अब जॉब आपने रिलीज ले लिया था वहाँ से, रिलीज हाँ उसके बाद में काफ़ी, मैं मेंटली भी रिलीज हुई काफ़ी हद तक, तो इट वाज गुड। एंड उसके बाद फिर आपने स्टार्ट किया जो फिट होम्स मैंने शुरू किया, एक वेंचर जब ही किया था ये उसी टाइम या उसके बाद? अच्छा। आर्मी के बाद ही इमीडिएटली मैंने अपना लॉन्च किया फिट मॉम्स फिट होम्स। दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म वेयर इन आई एजुकेट बोथ मैन एंड वेमेन टू प्रिपेयर फॉर प्रेगनेंसी। उसका रीज़न ये है कि अगर यू नो बींग एन एम्बिशियस गर्ल, अगर आप मदरहुड को एम्ब्रेस करना चाहते हैं तो आपके स्पाउस को आपका इक्वली सपोर्टिव होना पड़ेगा। True. अब होता क्या है कि जब हमारा बच्चा हुआ तो मी एंड माई हस्बैंड वर इक्वली कन्फ्यूज, लाइक आई वोंट ब्लेम, समटाइम्स ना औरतें अपने पति को ब्लेम करती हैं, मेरे पति बिल्कुल है। भाई वो खुद ही परेशान है, उसको समझ में नहीं आ रहा मैं बाप बन गया मैं क्या करूँ। ठीक है, कोई कोई प्रिपेयर ही नहीं करता ना। True. पुराने जमाने में जॉइंट फैमिली थी, बच्चे भाई पल जाते थे ऐसे ही चलते फिरते हैं। पता उन्हें पता इसलिए नहीं चलने भी देते थे क्योंकि जो औरत होती थी वो घर के कामों में लगी रहती थी, तो आदमी कुछ ना कुछ बाहर से रिसोर्सेज ला रहा था, तो इसलिए उन्हें कहते थे कि चलो हम देख लेंगे। अच्छा, कोर्ट मार्शल का टॉपिक रह गया। जो कोर्ट मार्शल का पूरा प्रोसेस होता है, तो आम जनता उसको कुछ नहीं पता कोर्ट मार्शल का, तो क्या उसे पता होना भी चाहिए, नहीं होना चाहिए या जरूरत नहीं है? जरूरत नहीं है, बिकॉज आर्मी का बहुत ही इंटरनल मैटर होता है ना कोर्ट मार्शलिंग। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है आर्मी के लिए? देखिए क्या होता है ना, फौज में भी क्राइम्स होते हैं। हाँ, इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे भी छोटे कभी जैसे थेफ्ट हो गया, चोरी हो गई, ओके, सेक्सुअल क्राइम्स भी हो जाते हैं, कुछ और मैटर्स हो जाते हैं जैसे अनबिकमिंग कंडक्ट ऑफ एन ऑफिसर, अनबिकमिंग एज अ सोल्जर, किसी ने जूनियर ऑफिसर ने सीनियर ऑफिसर से बदतमीजी कर दी, वो आर्मी के अपने ऑफेंसेज हैं। तो जितने भी आर्मी के अपने ऑफेंसेज हैं, अगर कोई आर्मी ऑफिसर या सोल्जर ऑन ड्यूटी वो ऑफेंसेस करता है तो उसको आर्मी का अपना खुद का कोर्ट ट्राई करता है, तो वो सिविल कोर्ट में नहीं आते क्योंकि वो बाहर नहीं भेज सकते उसे, बाहर के कोर्ट्स में नहीं जा सकते वो अननेसेसरीली। एक तो बंदा ड्यूटी से जाएगा, छोटे मोटे कई बार मैटर होते हैं जिसमें जरूरत नहीं होती, जिसमें छोटा रेप्रिमांड देके या छोटी मोटी पनिशमेंट देके आप हैंडल कर सकते हो, है ना। तो और आर्मी के विटनेसेस भी इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि क्राइम आर्मी में हुआ है, तो एक तो क्रिमिनल, दूसरे इतने सारे विटनेसेस 10-15, सबको ड्यूटी से बाहर थोड़ी भेजेंगे सिविल कोर्ट जाने के लिए, फिर काम कौन करेगा? हाँ, काम कौन करेगा? हाँ। राइट, तो अपना खुद का कोर्ट होता है। इसमें जैसे आपने बताया एक महीना लग जाता है, तो इतना लंबा टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि एक टाइम पे एक केस होता है। अगर आप नोटिस करो सिविल कोर्ट में तो केसेस सालों साल चलते हैं, सालों साल चलते हैं, तो आर्मी का पर्सपेक्टिव होता है कि कोर्ट मार्शल डेली बैठेगा और जितना जल्दी होगा उतना डिसीजन दिया जाएगा, जल्दी से जल्दी, तो वो डिसीजन दे दिया जाता है। ठीक है, तो जैसे अभी एक जो केस बताया था, कितनी मैक्सिमम सजा मिल जाती है, कितनी? वो तो हमारे लॉज पे डिपेंड करता है, जैसे आईपीसी फॉलो होता चलेंगे। हाँ, अच्छा। पॉक्सो फॉलो होता है फॉर सेक्सुअल ऑफेंसेस, बस इसमें ज्यूरी आ जाती है
जूरी सिस्टम होता है और थोड़े से बहुत आर्मी एक्ट के अंदर जो ऑफेंसेस हैं उनकी पनिशमेंट्स वहाँ पे स्पेसिफाइड हैं, तो हर उसके हिसाब से उसकी पनिशमेंट होती है। सबसे कोई ऐसा कोई ब्रूटल केस जो आपने देखा हो, जैसे एक अपना बताया था कि ब्रूटल केसेस काफ़ी होते हैं इंडियन आर्मी में, मर्डर भी होते हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर्स भी होते हैं, काफ़ी केसेस थे जो मैंने देखे इन छोटी सी सर्विस के अंदर ही। मैं बोलूँगी देर आर मेनी ऑफिसर्स हु आर स्टिल सर्विंग, उनको मुझसे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बट आई थिंक जैसे सिविल में क्राइम्स होते हैं वैसे फौज में भी होते हैं। एट द एंड ऑफ द डे वी नीड टू अंडरस्टैंड वहाँ पे भी ह्यूमंस ही सर्व कर रहे हैं, वो देवता नहीं बन गए, ठीक है। तो एज अ ह्यूमन जब आपने मुझसे मेरा इंट्रोडक्शन पूछा तो मैंने बोला कि इमोशंस, तो जब मैं फौज से बाहर आई ना ही सिर्फ मैंने औरतों को और आदमियों को मैदरहुड के लिए प्रिपेयर करना शुरू किया, मैंने फौजियों और उनकी फैमिलीज की मेंटल हेल्थ पे काम करना भी शुरू किया। ये भी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब मैंने अपनी जर्नी के बारे में शेयर किया, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास इतने मैसेजेस आए फ्रॉम वाइफ्स ऑफ इंडियन आर्मी ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स हु वर स्ट्रगलिंग फ्रॉम डिप्रेशन ओनली बिकॉज उनके स्पाउसेस सर्व कर रहे हैं, राइट, उनको छुट्टी नहीं मिलती, वो आते नहीं हैं, ठीक है। देन मुझे रिटायर्ड ऑफिसर्स और जो सर्विंग सोल्जर्स हैं उनसे मैसेजेस आने शुरू हो गए कि मैम हम समझते हैं कि वो, तो द प्रॉब्लम इज दैट उस टाइम पे डिप्रेशन पोस्टमार्टम के बारे में पता नहीं था, बट अब हम इस बारे में बात करने लग गए हैं। अगर हमारा जो सिपाही है, हमारा जो सोल्जर है जो बॉर्डर पे जाके हमारे लिए हमारी कंट्री के जान भी देने को तैयार है, अगर वो ही इमोशनली मेंटल टर्बुलेंस से गुजर रहा है तो अपने देश के लिए वो कैसे लड़ेगा, राइट। फौजी तो ऐसा इंसान होता है, मैं बहुत फौजियों के साथ सर्व किया, लाइक जो अदर रैंक्स होते हैं लेट मी टेल यू, वो ऑफिसर की कमांड पे जान देने को तैयार हो जाते हैं, अपनी यूनिट के लिए, अपनी रेजिमेंट के लिए वो कुछ भी करने को तैयार देते हैं। आर्मी में ना एक चीज़ कही जाती है वन फॉर ऑल फॉर वन, जो सबको इकट्ठा लेके चलता है, तो जो जवान होता है ना उसके अंदर इतना जज्बा होता है कि मैं मर जाऊँगा कर जाऊँगा ये सब कर दूंगा, बट अगर उस जवान को छुट्टी नहीं मिल रही टाइम पे, वो जवान ही बेचारा मेंटली इमोशनली टर्बुलेंस से गुजर रहा है, ठीक है, तो वो अपने सीओ के लिए ना प्यार से जान देता है, अपनी रेजिमेंट के प्यार से, अपने देश के प्यार से, तो अगर उसके अंदर वो रोष पैदा हो जाए जहाँ पे वो डिससेटिस्फाइड है, वो परेशान है, तो वो कैसे करेगा। तो आई थिंक मैंने इस पे धीरे धीरे इंटरनली काम करना शुरू किया है, अभी एक्सटर्नली नहीं है। आई होप थ्रू द पॉडकास्ट एंड माई इंटरव्यू समबडी स्टार्ट्स वर्किंग ऑन दिस। आई थिंक इट इज़ वेरी नेसेसरी हर ऑर्गेनाइजेशन में कि हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात करें, हम इसको एड्रेस करें, हम लोगों को समझाएं कि इट्स ओके टू नॉट फील ओके, जस्ट बिकॉज आप एक फौजी हो, जस्ट बिकॉज आपने वो टफ ट्रेनिंग करी है, वी अंडरस्टैंड आपका काम है करेज दिखाना और वो होना भी चाहिए, पर उसके बाद रोना कोई निशानी नहीं होती कि आप रो नहीं सकते, आपको फील, भाई मर्द को दर्द होता है वो बोलते हैं ना, तो सोल्जर को भी दर्द होता है, सही बात है। और लेकिन उनसे बेसिकली कभी कभी एक्सपेक्टेशन के बोझ की वजह से वो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना बंद कर देते हैं कि ये सामने वाला बंदा मेरे से ज़्यादा कमज़ोर है, अगर मैं इसके सामने एज एन एग्जाम्पल नहीं आऊँगा और मैं भी इसको अपने दुखड़े सुनाना शुरू कर दूंगा तो ये क्या समझेगा मुझे। और इसीलिए पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स भी होते हैं, यू नो आप ट्रॉमा स्टोर करे जा रहे हो। पोस्ट PTSD का मतलब ये नहीं होता कि आपके साथ कोई बहुत एक ही इंसिडेंट हुआ जो ट्रॉमेटिक था, कई बार छोटे छोटे ट्रॉमास हम अपने अंदर इकट्ठे करते रहते हैं और वो बाद में आके इतना ट्रॉमेटिक बन जाता है। और मोस्ट केसेस में जब मैं कोर्ट मार्शल्स कर रही थी तो ऐसे बहुत केसेस थे जहाँ पे सोल्जर ने सोल्जर पे गोली चला दी, दो पोस्ट पे बैठे हैं गार्ड, दोनों ने गुस्से में ना, अब चलो ठीक है जिसने गोली चलाई उसको पनिश तो कर दिया, पर क्या हमने ये जानने की कोशिश करी उसने वो गोली क्यों चलाई, उसकी साइकी, वो इतना फ्रस्ट्रेटेड था उस टाइम पर। कि क्या होता है मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स के साथ, क्या होता है कि आप वो अपने ट्रॉमा और इमोशंस को स्टोर करे जा रहे हो, राइट, अब वो इतना इकट्ठे हो गए हैं कि वो एक रेज और ईविल फॉर्म ले लेते हैं आपके अंदर। अब अंदर से वो कहाँ निकलेगा, वो किसी दूसरे पे निकलेगा। तो इसीलिए कहते हैं ना हर्ट पीपल हर्ट अदर्स, अगर आपके ऊपर कोई चिल्ला रहा है ना तो उसमें आपकी गलती नहीं है, वो बेचारा खुद इतना परेशान है, उसको समझ नहीं आ रहा कहाँ निकालूं, आंखें आप पे निकाल रहा है, true. है ना। इसमें मेरे पास दो चीज़ें और हैं, पहला जैसे मेंटल हेल्थ बताया आपने और पोस्ट ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस या कुछ भी उनके उसी की वजह से आपका था जैसे पोस्टपार्टम डिप्रेशन था, तो उसके अलावा वो एक और अलग स्ट्रेस चल रहा था कि मैं अपनी जॉब के साथ कैसे बैलेंस आउट करूँगी इसे, क्योंकि एक हल्का सा अपने पास भी रिग्रेट होता है कि यार बच्चा मेरा है, जॉब भी मेरी है, प्रायोरिटी मैं दोनों को बराबर देनी है और आपने वोट लिए हुए हैं नेशन फर्स्ट, फैमिली सेकंड, और उसके बावजूद भी फिर एक और कि अगर मैं इसके साथ इनजस्टिस कर रही हूँ
तो मेरी मेरी पर्सनल जो अचीवमेंट है, जो वो मैं किसको बताऊंगी, कैसे बताऊंगी इसे, मेरा एक पर्सनल टच जा रहा है और मैं जॉब के साथ भी नहीं कर सकती. तो वो इतना बन गया, ये बिल्डअप हो गया, उसकी वजह से हम अपने आप को कमतर आंकना शुरू कर देते हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं या हम हमारे क्यों नहीं हो रही कंट्रोल में चीज़ें. इसलिए वो डिप्रेशन का, मतलब मेरे को लगता है एक स्टेप है. पर इसी टाइप से जॉब में भी, जैसे जिन लोगों के पास, तो क्या आपको लगता है कि वो जो एक्सपीरियंस बिल्ड हो रहा था ड्यूरिंग योर वर्क, के स्टोरी सुनने को मिल रही थी, केसेस सुनने को पड़ रहे थे, पढ़ाई करनी पड़ रही थी और उनको बताना पड़ रहा, हेल्प करना था, तो वो सब चीज़ें बैलेंस आउट करके इतना केओस भर गया था दिमाग में कि वो कहीं चैनलाइज नहीं कर रहे थे. आप टाइम लग रहा था किसी को बताने का, कोई आपका था, लेट गो कर रहे थे जहां उस टाइम पे मैंने इस चीज को रिकॉग्नाइज ही नहीं करा. मुझे लगता ही नहीं था कि ये कोई चीज है. मैं बस कंटीन्यूअस स्ट्रेस में के पास भी नहीं, क्योंकि कभी किसी ने एजुकेट ही नहीं करा पोस्टमार्टम डिप्रेशन को क्या होता है. जब कोविड के बाद मुझे ये दोबारा ट्रिगर हुआ, तो कोविड होने के बाद मुझे दोबारा मेमोरी लॉस और एंग्जायटी अटैक और पैनिक अटैक. सक्सेस ज्ञान कब आया था, कोविड से पहले, कोविड के बाद? वो तो कंपटीशन कोविड के बाद आया, जब मैं ठीक हो गई थी उसके बाद आया. तो लाइफ सही थी? लाइफ सही थी, आई थिंक लाइफ सही थी, बट इट हेल्प मी एक्सप्लोर मोर और इट हेल्प मी बिकम इवन मोर बेटर. तो कोविड वाला, कोविड. हाँ, तो कोविड के बाद क्या हुआ कि मुझे एंग्जाइटी और पैनिक अटैक. दोनों बच्चे हो गए थे, छोटी बेटी 3 साल की और बड़ी वाली 7 साल की. तो हुआ ये कि मुझे बहुत पैनिक अटैक्स और एंग्जाइटी अटैक आने लग गए. तो मुझे लगा ये कोविड के सिम्टम है और उसके बाद वो चले जाएंगे, बट वो नहीं गए. और मुझे एक बार इतना गंदा पैनिक अटैक आया कि मैं एक स्टेट में चली गई जहाँ मैं डीप पर्सनलाइज हो गई. ना, डीप पर्सनलाइजेशन क्या होता है? इट्स एन एंग्जाइटी डिसऑर्डर जहाँ पे आपका ब्रेन शट डाउन हो जाता है बिकॉज वो एक लिमिट तक कुछ चीज़ें ले पाता है. तो मेरा मेमोरी लॉस हो गया. मैं अपने हस्बैंड को नहीं पहचान पाई, अपनी बेटी को भी नहीं पहचान पाई, दोनों को. और मुझे याद है कि मैं अपनी बचपन की फोटोज़ देख के सोचती थी ये कौन है. और कितने पीरियड के लिए चला ये कुछ महीने तक चला. अप्स एंड डाउन्स आते रहे. देर वर डेज व्हेन इट वाज वेरी गुड, आई वाज फाइन. देर वर डेज व्हेन इट वाज वेरी बैड. देर वर डेज जब आई लिटरली रिमेंबर कि मेरे हस्बैंड को कोर्ट से छोड़ के घर आना पड़ा और मेरे भाई को बैंगलोर में कॉल करना पड़ा और मेरा भाई ऐसे हो गया था मैं फ्लाइट पकड़ के आ रहा हूँ. मतलब मेरे ऐसे ऐसे हालात हुए हैं, बहुत बुरा हाल था. और ये आपको तो रियलाइज नहीं हो रहा होगा कि आपके साथ ऐसा हो रहा है. मुझे सब रियलाइज हो रहा था. द प्रॉब्लम वाज दैट सबकॉन्शियसली आई वाज अवेयर, बस मैं कॉन्शियसली दिखा नहीं पा रही थी. ऐसा फील होता था कि एज इफ आई एम पोजेस्ड, जैसे किसी आत्मा ने मेरे ऊपर कब्जा कर लिया है. मतलब मैं खड़ी होती थी और मुझे ऐसा लगता था कि मैं कूद जाऊँ नीचे. आपने बताया था कि मैं एग्जिस्टेंस, मैं एग्जिस्ट करना बंद करना चाहती थी. मुझे ऐसा लगता था वर्ल्ड और मेरे बीच में एक दीवार बन गई है. मैं लिफ्ट में जाने से डरती थी. एक ऐसा फेज आ गया था जहाँ मैं सोचती थी कि यार आई हैव डन सच अ टफ ट्रेनिंग ऑफ द इंडियन आर्मी, मैं इतनी सही मिलिट्री ट्रेनिंग करके आई हूँ. जब मैंने वो फेज गुजार दिया तो ये कोई फेज नहीं है, मुझे लड़ना है. बस आई थिंक एक ये जज्बा था जो फौज की ट्रेनिंग ने मेरे अंदर डाल दिया कि हाँ अभी मेमोरी लॉस हो गया है, कुछ याद नहीं आ रहा. मुझे याद है मैं अपनी डॉटर को हिंदी का होमवर्क कराना था. अब वो शब्द अक्षर घूम रहे थे अब ये, और मैं ये सोच रही थी ये कौन सी लैंग्वेज है, मैं इसको क्या पढ़ा रही हूँ. मैं बोल हिंदी में रही हूँ पर ऐसा लग रहा है कि ये क्या लैंग्वेज है, व्हाट इज दिस लैंग्वेज. वो रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है कि ये क्या है, कि क्या है. तो कुछ समझ में, मतलब एक ऐसा लगता था कि मैं पागल हो चुकी हूँ. एलियनेटेड लग रहा है आपको? एलियन, आई फेल्ट लाइक एन एलियन. इट वाज डीपर्सनलाइजेशन डिसऑर्डर एंड बट धीरे धीरे मैंने अपने ऊपर काम किया. मैंने सुदर्शन क्रिया शुरू करी. श्री श्री रविशंकर जी, मेरी मदर इन लॉ. सो मेरी मदर इन लॉ, मैं इस बारे में सबसे बात करती थी, मैं अपने फ्रेंड्स से बात करती. आई वाज सो ओपन, मैंने सोशल मीडिया पे डिक्लेयर कर दिया, गाइस आई एम सफरिंग फ्रॉम एंग्जाइटी डिसऑर्डर, मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गई है कोविड के बाद और मुझे समझ में नहीं आ रहा है. मैं आई अनाउंस इट ऑन सोशल मीडिया एंड पीपल वर लाइक वाई तुम क्यों शेयर कर रही हो, अपने ऐसे बताते थोड़ी है अपने मेंटल हेल्थ के बारे में. नहीं नहीं, कोई सोचेगा तू पागल हो गई है, ये हो गई है. मैं कहा आई वॉन्ट, ये हो रहा है तो मैं बोल रही हूँ. अगर मैं ये बता सकती हूँ कि मुझे बुखार है तो मैं ये क्यों नहीं बता सकती कि मेरे दिमाग में भी कुछ लोचा चल रहा है. आई वॉज सो वोकल अबाउट इट. मैंने हर एक अपडेट दिया है लोगों को सोशल मीडिया पे, बिकॉज मैं उस टाइम पे ये चीज़ें इसलिए बोलती थी क्योंकि मैं सब, मेरे को ऐसा लगता था कोई तो आएगा मेरी मदद करेगा. कोई तो बताएगा मुझे क्या हो गया. क्योंकि हमारे पास रिसोर्स ही नहीं पता होते हमें. मैं थेरेपिस्ट, थेरेपी के लिए गई. थेरेपिस्ट क्या करते थे, वो सामने बैठते थे आपकी तरह, मेरी बात सुनते थे, मैं बोलती रहती थी. फिर उसके बाद वो मेरे इनर चाइल्ड पे चले गए. मेरा इनर चाइल्ड हर्ट. थेरेपिस्ट के साथ एक प्रॉब्लम और भी है कि आप किसी एग्जांपल से समझाइए. अरे मेरे को एग्जांपल
के लिए थोड़ी आया हूँ, मैं तो प्रूफ के लिए मैं अपने शब्द नहीं जोड़ पा रही हूँ। मैं एक ऐसी स्टेज पे हूँ जहाँ पे मेरा मेमोरी लॉस हो गया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मुझे बोलना क्या है और मैं आपके सामने बैठ के क्यों बोलूँ। फिर उन्होंने मेरा साइकोलॉजिकल टेस्ट लिया टू रेफर टू अ साइकेट्रिस्ट कि इसको दवाइयों की जरूरत है। उन्होंने कहा 3 घंटे का टेस्ट लगेगा, मैंने 40 मिनट में वो टेस्ट कर दिया। तो माई हस्बैंड इज लाइक तुझे कुछ नहीं हुआ है तो चल यहाँ से। तो सो मैं वो SSB पैटर्न का टेस्ट होता है, जैसे SSB में होता है ना, वो दे आर बेसिकली टेस्टिंग योर माइंड। तो इट वॉज एग्जैक्टली द सेम टेस्ट जो मैं SSB में करके आई। वो उन्होंने मुझे पिक्चर दिखाई, इट वॉज अ साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन एंड आई रियलाइज दैट SSB इज अ साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन ओनली। क्योंकि जब मेरे को साइकेट्रिस्ट के पास वो रेफर कर रहे थे तो उन्होंने सेम एग्जैक्टली सेम टेस्ट था जो SSB में होता है, वो पिक्चर्स दिखाना। तो उस टेस्ट में तो नहीं निकला कुछ? कुछ नहीं निकला, मेरे को साइकेट्रिस्ट के पास रेफर नहीं किया। फिर उन्होंने मुझे डिक्लेयर कर दिया इसको डिप्रेशन है। डिप्रेशन तो नहीं है भैया, कुछ दिक्कत है मेरे साथ दूसरी, या तो मैं पोजेस्ड हूँ। तो हम अपने एस्ट्रोलॉजर के पास गए तो उन्होंने कुछ बातें हमें बताई, जैसे मेरा राहु भारी था तो ऑफकोर्स मेडिसिंस के लिए बोला मुझे कि तैयार शुरू कर दो आप। तो मेरे ब्रदर ने मुझे बोला कि मेडिसिंस तेरे को बहुत सुलाएंगी, तुझे नींद आती रहेगी, आई थिंक यू आर स्ट्रांग अनफ फ्रॉम इनसाइड, यू कैन फाइट इट बैक। तो जो होता है ना वो पुश दिया उन्होंने, पुश दिया। और मुझे रियलाइज़ हुआ कि उसी दिन से मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे एक दिन मोटिवेशनल स्पीकर बनना है। वो इसलिए बनना है क्योंकि उस दिन मेरे भाई के शब्दों ने जो मुझे मोटिवेशन दी ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरा भाई मुझे डेली कॉल करता था और वो मुझे डेली बोलता था तुझे कुछ नहीं हुआ है, तू ठीक हो जाएगी, तेरे अंदर ना अभी भी वो स्ट्रांग लड़की अंदर छुप के बैठी है, तेरा सब कुछ हो जाएगा, बस तू धीरे धीरे लगी रहे। अब उसने मेरे को बोला कि तू अपना गोल बना कि तुझे हर दिन एक दिन करके काटना है, मत सोच फ्यूचर में क्या होगा, क्या बात, तू प्रेजेंट में जी। आज तू सुबह उठी है, बस तू छोड़, शाम तक कैसे भी इसको चला लेगी, ड्राइंग कर, पेंटिंग कर। माई ब्रदर पुश्ड मी सो मच एंड आई थिंक वो उसकी जो मोटिवेशनल वर्ड्स है ना कि तुझे कुछ नहीं हुआ है, यू आर वेरी स्ट्रांग, तू अंदर से लड़ लेगी, हिम्मत मत हार, नथिंग, उसने मुझे पुश किया इतना ना। एंड मुझे ऐसा लग गया कि यार नहीं छोड़ना। और मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला तू फौज की ट्रेनिंग करके आई है यार, फौजी हार नहीं मानते। तो अंदर से फिर एक पुश मिला, याद आया कि भाई मैंने इतनी टफ ट्रेनिंग करी है, हमारे सोल्जर्स बॉर्डर पर बैठे हैं यार, कैसे कैसे टफ इन्वायरमेंट में, क्या मैं ये नहीं झेल पाऊंगी। आई केप्ट गोइंग, मेडिटेशन किया, नेचर में वॉक करना शुरू। तो फिर जो उन्होंने आपके मदर इन लॉ ने बताया कि सुदर्शन क्रिया, उन्होंने मुझे बोला कि शी सफर्ड फ्रॉम अ फेज इन हर लाइफ जहाँ पे शी वाज नॉट फीलिंग गुड। तो उन्होंने सुदर्शन क्रिया शुरू करी थी, तो मैंने हैप्पीनेस कोर्स में अपने आप को एनरोल कराया। 3 दिन के बाद ही मेरा दिमाग खुल गया सुदर्शन क्रिया से। फिर सुदर्शन क्रिया में जो भी आपको सिखाते हैं, जो आपके आर्ट ऑफ लिविंग टीचर होते हैं, वो कहते हैं कि एज अ गुरु दक्षिणा आपको 40 दिन तक सुदर्शन क्रिया करनी है। तो मैंने 40 दिन तक सुदर्शन क्रिया करी। क्या होता है कुछ छोटा मोटा? क्रिया में इट्स भस्त्रिका प्राणायाम होता है आखिर में, इट्स अ ब्रीदिंग टेक्निक जहाँ पे आप ब्रेथ से कनेक्ट करते हो। तो लॉन्ग क्रिया होती है, शॉर्ट क्रिया होती है। तो मैं शॉर्ट क्रिया रेगुलर डेज में करते थे, लॉन्ग क्रिया हम यूजुअली वीकेंड्स पे करते हैं। तो उसको करके मेरा दिमाग खुल गया। एंड श्री श्री रविशंकर जी हमेशा बात को बोलते हैं कि यू नो कि क्रिया के कितने बेनिफिट्स हैं, वो तभी आपको पता लगते हैं जब आप उसको रेगुलरली करते हैं। क्रिया के साथ मैंने मेडिटेशन शुरू किया, मैं एडवांस मेडिटेशन कोर्स के लिए गई। एडवांस मेडिटेशन कोर्स में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि जो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। एक्सपीरियंस इट वॉज सम एक्सपीरियंस विच हैपेंड। एंड मुझे ऐसा लगा कि जो जर्नी लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे होते हैं, वो जर्नी शायद मेरी कुछ ही महीनों में मेडिटेशन के थ्रू मैंने अचीव करी। क्या बात है? मेरा मेमोरी वापस आ गई, मैं बेटर हो गई। साथ ही साथ में जो हमारे एस्ट्रोलॉजर थे, हमारे फैमिली एस्ट्रोलॉजर गुरुजी जो हमारे हैं भारत भूषण जी, उन्होंने बहुत हेल्प किया। सुना है ना मैंने? वो दिल्ली के बहुत फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं। तो भारत भूषण जी ने मेरी कुंडली देखी, उन्होंने मुझे एनर्जीज के बारे में समझाया कि कैसे यू नो जब हमारे एनर्जी लेवल्स लो हो जाते हैं तो वीकर एनर्जीज जो होती हैं, देखो भूत प्रेत पिशाच सब एग्जिस्ट करता है और ये मुझे इस एक्सपीरियंस के बाद पता लगा। तो जब आपके एनर्जी लेवल्स लो होते हैं, जब आप बीमार होते हैं या आप एक ऐसे स्टेट में जहाँ आप मेंटली बहुत वीक हो गए हैं, तो जो एनर्जी लीचेज होते हैं ना वो आपसे स्टिक आराम से कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अपने एनर्जी लेवल्स वाइब्रेशंस को हाई करनी है। अब वो एनर्जी लेवल्स की वाइब्रेशंस कैसे हाई होंगी, जब आप भगवान में प्रेयर करेंगे, साधना करेंगे, आप मेडिटेशन करेंगे, ठीक है। और एस्ट्रोलॉजी में भी कुछ ऐसे हैं, मेरा एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट बढ़ा इसके बाद, है ना। फिर पता लगा कि मैं 36 साल की हुई थी जिस दिन मेरा बर्थडे था, उस दिन मुझे मेरा फर्स्ट पैनिक अटैक आया था, 30 जनवरी 2022 की बात है। तो मेरी कार्मिक एज थी। तो कहते हैं जब आप एक कर्मा की एक साइकिल पूरी करते हो ना, तो आपके आपकी सोल अपना पर्पस ढूंढती है, और अगर आप अपने पर्पस को नहीं जी रहे होते ना तो वो आपको झटका देगी। क्या बात है, ठीक है। तो ये बात मुझे बहुत ही सेंस वाली लगी। और अगर आपकी सोल उस पर्पस को ढूंढ लेगी तो आप जी जाओगे, स्केल कर जाओगे। और सोल नहीं ढूंढेगी तो शायद आप सोल सर्वाइव नहीं करेगी, इट विल लीव द बॉडी, इट विल गो।
एंड आई हैड टू फाइट बैक एंड आई थिंक उसी के बाद मुझे मेरी सोल का पर्पस मिला एंड द पर्पस वाज टू हेल्प पीपल हु आर गोइंग थ्रू अ सेम जर्नी विद मी. तो मेरा गोल ये है टू मेक एवरी सिटीजन ऑफ आर कंट्री यू नो हील देमसेल्व्स. ट्रू. ठीक है. बाय मेकिंग देमसेल्व्स फिजिकली नॉट ओनली जस्ट फिजिकली मेंटली इमोशनली बट ऑल्सो स्पिरिचुअली फिट. और ये मैं सबके साथ करना चाहती हूँ. लाइफ की दो एडवाइस और जो दो मतलब लाइफ लेसन समझ लो, एडवाइस समझ लो जो आपने सीखी हो, और उसके बाद मेरे को वो जानना है कि आप कैसे भी कोई अपना बंदा अपने दिमाग पे काम कर सकता है अपने आप को. जैसे कुछ हमको छोटे छोटे वीकनेस मतलब चैलेंजेस लगते हैं कि मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, या हम या कुछ भी नया करने से भी पहले डर जाते हैं, सोचते हैं कि हमें यार हमको वो ही नहीं पता तो हम कैसे करेंगे. जैसे एप्लीकेशन डेवलप करना है तो ऐप डेवलपमेंट करना नहीं आता तो कैसे करेंगे. एक वैसा वाला चैलेंज होता है जो दिमाग पे शुरू होता है. एक फिजिकल चैलेंज होता है कि मैं जैसे आपने आपकी रील में भी दिखता है कि रनिंग कर रहे हो फिर थक गए, जैसे मैराथन कर लेते हैं कोई लोग, और कुछ लोग पार्क में वॉक करने भी नहीं जाते या जिम के लिए भी नहीं जा रहे. तो एक मेंटल बैरियर को ब्रेक करना और एक फिजिकल बैरियर पर काम करना वो, और उससे पहले आपकी दो लाइफ लेसन्स जो आप चाहते हो कि आपकी बेटियों को भी पता चले, दो ऐसे लाइफ लेसन जितना पर्सनलाइज कर सकते हो कर सकते हो. मैंने अपनी डॉटर को हमेशा एक बात बोलती हूँ. हाँ. वो अभी अपने स्पीकिंग कंपटीशन के लिए जा रही थी, उसमें फ़र्स्ट आई. हाँ. हाँ. तो उसमें फ़र्स्ट आने से पहले ना वो जब उसको बोल रही थी तो वो नॉर्मल बोल रही थी. तो मैंने एक लेसन बहुत सीखा है, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट, वो है कि ये मेरे मेंटर्स ने मुझे सिखाया है जब मैंने उनके साथ काम किया है, दैट इज़ हाईएस्ट एनर्जी ऑलवेज विंस. ऑलवेज. तो अगर आप जब किसी स्टेज पे जाएंगे ना तो विनर आपको अलग से स्पॉट हो जाएगा. ये विनर है. और अगर आप नोटिस करेंगे कि उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा हाई होगी, बिकॉज जिसकी एनर्जी सबसे हाई है और हाई एनर्जी पे कैसे काम करना है उसको, इट रिक्वायर्स वर्क. सिर्फ चिल्ला देना, बोल देना. तो जैसे जब मोटिवेशनल स्पीकर्स की बात होती है तो यूजुअली मोटिवेशनल स्पीकर्स ऐसे होते हैं, हाँ तुम्हें करना पड़ेगा ये तुम्हें. मैं ऐसी मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ. ठीक है, आई अंडरस्टैंड. बट द हाई एनर्जी comes from a point wherein you contain that aura of being shown. Winners kai bari na loud nahi hote, winners ki body language aur aura se dikhta hai. And that comes from the belief in your own self. Sabse pehle to haan bhai main hi hu, kar lunga main. Theek hai. And be in your best highest energy as possible. So main jab hamesha bolti hu, you know, main kahin ghar se bahar nikalti hu to main naach ke ghar se bahar. Aaj bhi jab main yahan aayi to main naach ke aayi hu. Kaun sa wala dance? होला हूप, कुछ भी गाना लगाया बस उसमें. ठीक है. तो क्या होता है, गाना लगाते ही नाचने से आपके अंदर सडन एनर्जी आती है. हाँ. आपने नोटिस किया है ना. तो कहीं पे भी जाओ, 10 जंपिंग जैक करो, कूदो, उछलो, हंसो. हाँ. जोर जोर से. ठीक है. आप देखोगे और अपने आप आ जाएगा. देख, एक होता है कि मैं आपसे ऐसे बात कर रही हूँ, हाय राहुल पता है मेरी लाइफ में इतना सब कुछ हाय राहुल पता है मेरी लाइफ में इतना सब कुछ हुआ. True. तो एनर्जी मैटर्स अ लॉट है ना. तो हाईएस्ट एनर्जी ऑलवेज विंस. फेक इट टिल यू मेक इट. ठीक है. फॉर एनर्जी. हाँ. ठीक है. दूसरा लेसन मैं ये बोलूंगी, गिव योर सेल्फ मल्टीपल चांसेस. कई बार हम अपने आप को चांस नहीं देते हैं. ये एग्जाम फेल हो गया, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, अब मैं कुछ नहीं कर सकता. हाँ. या कर सकती है ना. फिर ऐसा लगता है यार मेरी लाइफ में इतनी परेशानी है ना, अब तो बचा ही क्या है जिंदगी में. हाँ, अब क्या कर सकते हैं. मैंने 60-70 साल के लोगों को अपने साथ ट्रेनिंग में देखा है. जब मैं अपनी बिजनेस ट्रेनिंग, अपने माइंड सेट ट्रेनिंग के लिए हाँ. जाती थी, तो वो लोग उस टाइम पर अपनी लाइफ पर काम करना शुरू कर रहे थे. तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपने आप को मल्टीपल चांस देना मत छोड़ो, क्योंकि कुछ नहीं पता कौन से चांस में आप वो अचीव कर लो जो आप करना चाहते हो. तो चांसेस किस रेफरेंस में बोल रहे हैं हम? चांसेस लाइक नया सीखने के लिए. आप गिर फेल हो गए. हाँ. कोई बात नहीं, एक चांस और से फेल हो गए, एक चांस और से. 60 साल के हो गए, लाइफ में कुछ नहीं किया. जैसे कोई वेट लॉस जर्नी पे है. हाँ, लगे रहो, वेट नहीं हो रहा. ये मत बोलो कि मेरा वेट लूज ही नहीं हो सकता. कैसे नहीं हो सकता भाई, लगे रहो. ठीक है. दूसरा लैसे कि 60-70 साल के हो गए, अपने तरीके से कभी ज़िंदगी नहीं जी, जिंदगी तब दूसरों के लिए जी है, तो अब जी लो यार. ये क्यों सोचते हो कि ख़त्म हो गई लाइफ अब तो. हाँ. है ना. तो कीप गिविंग योर सेल्फ चांसेस ओवर चांसेस, मल्टीपल चांसेस, कीप ट्राइंग, कीप नेवर लूज होप. ऐसा नहीं कि ख़त्म, कि आज के बाद कल कुछ नहीं होगा, या फिर अब तक जो था अभी तक, मतलब एज, लोग जनरली एज के ऊपर ले जाते हैं, जैसे कि हम जवान थे जब तो कर सकते थे. अब नए कपड़े, जैसे आजकल के लेटेस्ट स्टाइल के कपड़े पापा लोगों को नहीं पहनने देते. क्या, अरे तुम्हारी एज के थोड़ी हैं कपड़े, तुम तो अपनी एज के कपड़े पहनो. क्यों ये माइंडसेट, लिमिट हमारी अपनी लिमिटेशन हम खुद. जैसे अगर देखो ज्यादा एज लोग अगर हुडी टाइप के कपड़े पहनते तो उनको खुद
कहता है कि अरे तुम तो यंग दिखने के लिए पहन रहे हो, तो वैसा वाला कि लोग उसको अप्रिशिएट नहीं करते, तो वो भी एक माइंडसेट आ जाता है। ये सारा सब माइंडसेट का खेल है, सब हमारी कंडीशनिंग और माइंडसेट के ऊपर। तो वो वाला है कि लेट पीपल एंजॉय देयर लाइफ, लेट पीपल आई से फर्स्ट एंजॉय योर लाइफ। जब आप अपनी जिंदगी एंजॉय करने लगे आपको ढेला फर्क नहीं पड़ेगा दूसरा क्या कर रहा है। क्या और क्या सलाह देना चाहते हो? ये तो काफी वैसे हो गई ना, प्रैक्टिकल वाली बताओ। प्रैक्टिकल वाली इधर हमें अपने आपको मेंटली स्ट्रांग कैसे करना है, मेंटली भी, और जो आप अपने लाइफ से ड्रॉ करते हो कि मैंने ये कर लिया था इसलिए मैं ऐसी रही, या वो बच्चे जो अभी कॉलेज में है, स्कूल में है, हाँ कॉलेज में है, वो ऐसा क्या कर लें कि जो अब तक किया था उन्होंने वो उसको उसके ऊपर अपने आप को एलिवेट कर सकते हैं। जैसे आपने बताया कि ऑलवेज हाई एनर्जी ऑलवेज विन, कि अपनी एनर्जी को हाई रखोगे तो जहाँ पर भी आप वो दिखोगे तो इट्स गुड फॉर योर विजिबिलिटी। तो ऐसा और देखो, आई बिलीव दैट बीइंग सीन इज़ योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने कहीं एक बड़ी अच्छी ना, मैंने इंस्टाग्राम पे किसी को बोलते हुए सुना था ये बात ना, किसी को पॉडकास्ट में, दे वर सेइंग कि जो दिखता है वो बिकता है। ना ना ना, जो ज़्यादा दिखता है वो ज़्यादा बिकता है। राइट okay. जो दिखता है वो तो बिकता है, पर आप जितना ज़्यादा दिखोगे आप उतना बिकोगे, है ना। तो देर इज़ दिस वेरी गुड यू नो ऑथर ऑफ अ बुक कॉल्ड बी सीन बाय ज़ेन गॉटलिब, हिज हर नेम। सो शी सेज, आई वाज रीडिंग दिस बुक एंड दिस इंस्पायर्ड मी सो मच। दिस इज दैट लेडीज, ओ माई गॉड, शी इज़ डिफरेंट ऑरा। एंड शी सेड इन अ बुक कि आपका दिखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मेरे पास एक्सपीरियंसेस हैं, मैं इंडियन आर्मी में थी, मैं लॉयर थी, मैंने साइकोलॉजी पढ़ी, मुझे डिप्रेशन हुआ, मैं मेमोरी लॉस के थ्रू गुजरी, मेरी लाइफ में और बहुत एक्सपीरियंसेस रहे हैं, मेरा वेट गेन हुआ, मैंने वेट लूज़ किया, मैं गांव के माहौल से थी, मैं दुनिया से लड़ी, मैंने इंटरकास्ट मैरिज करी, ये सारे एक्सपीरियंसेस मुझे भगवान ने किसी रीज़न की वजह से दिए हैं। और अगर मैं इन एक्सपीरियंसेस को शेयर करूँगी तो शायद मैं किसी की हेल्प कर सकूँ, राइट। पर अगर मैं अपने अंदर ही बैठी रहूँगी, किसी दूसरे को इंस्टाग्राम पर सुन के बोलूँगी क्या बकवास कर रहा है यार ये, हाँ वो अपने आप को दिखा रहा है, वो दिख रहा है। तुम्हें अगर दिखना है तो अपने बबल से बाहर आओ एंड टेक चार्ज, शो इट। बीइंग सीन इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब मैंने सब तो सुने तो मुझे रियलाइज हुआ, राइट, इफ़ आई हैव टू बिकम द बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर ऑफ माई कंट्री, सबसे पहले मुझे बाहर आके बोलना पड़ेगा कि हाँ भाई मुझे मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, राइट। और अगर मुझे मोटिवेशनल स्पीकर बनना है तो मुझे कहीं से शुरुआत करना पड़ेगा विदाउट थिंकिंग अबाउट कि लोग क्या सोच रहे हैं या क्या कह रहे हैं। तो बीइंग सीन इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपको दिखना है तो अपने कम्फर्ट जोन से बाहर आके बोलना पड़ेगा। और कैप्टन रितु सिंह की मांबा नहीं बोलेंगे, कैप्टन रितु सिंह मेंटालिटी कैसे कोई बना सकता है, कैसे अचीव कर सकता है? और ऐसे ही कैप्टन रितु सिंह जो फिजिकल, जैसे जो लड़कियां या जो औरतें ऐसा फील कर रही हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर रही, तो उनके लिए अपनी फिजिकल एंड्योरेंस पर काम करना कैसे शुरू कर सकते हैं? तो मेंटल और फिजिकल एंड्योरेंस। देखो मेरे ना दादाजी ने बचपन में ना क्या हुआ था कि मेरे कुछ कजन्स घर पे आए, ठीक है, मेरी मम्मी के कहने के अकॉर्डिंग मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी कि घर पे मेहमान आए हैं, अतिथि देवो भव, तू इनको कुछ मत कहो। अब वो मेरे टॉयज लेते थे, छीनते थे, पकड़ते थे, खूब लड़ाई होती थी और मुझे खूब पीटते भी थे, मैं पिटती रहती थी। तो मेरे दादाजी घर पे थे उस दिन और वो मेरे कजन्स मुझे पीट रहे थे और मैं रोने लग गई। मैं उनके पास गई रोते रोते, मेरे दादाजी ने एक चमेट मुझ में लगा दिया, ठीक है। अब लोग बोलेंगे कि लड़की को मारा, उन्होंने मुझे पता क्यों मारा, और उन्होंने मुझे बोला चिल्ला के, या तो जिंदगी भर पिटती रही हो या तो आ जुट और धुन आके आ, उनको अच्छे से पीट के आ, ठीक है। मैं आई वाज लाइक वाओ, अच्छा ऐसा भी कर सकती हूँ मैं, पीट सकती हूँ क्या, हाँ ऑप्शन है। तो मैं खड़ी हुई, मैंने एक नहीं मैं 100 थप्पड़ लगाए गई, इतना पीटा दोनों को, इतना पीटा, वो इतना डर के सहम गए कि वो पीछे हो गए। उसके बाद उन्होंने मुझे आज तक कभी नहीं मारा। तो ये तो कजन्स की, छोटे बच्चों की लड़ाई हो गई, बट उस दिन मेरी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन मैंने सीखा, और वो था दैट बीइंग अ विक्टिम, जो मैं अपनी नई बुक लिख रही हूँ, वो मैं इसी बारे में लिख रही हूँ, विच विल बी आउट सून। द बुक का नाम है विक्टिम और अ विलन स्लैश वॉरियर। सो बीइंग अ विक्टिम और अ विलन और अ वॉरियर इज़ योर चॉइस, यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू बी। ट्रू, ठीक है। तो इफ़ यू वांट अ मेंटालिटी लाइक मी, मेरे को विक्टिम तो बिल्कुल नहीं बनना। माई लाइफ, मेरी लाइफ का सिंपल रूल है कि जब मैं मर रही होंगी ना, यानी मैं 100 साल की होंगी एंड आई एम ऑन माई डेथ बेड, मैं एक बारी भी ये नहीं बोलना चाहती कि इसकी वजह से मैं ये नहीं कर पाई या उसकी वजह से वो नहीं कर पाई। मुझे दूसरों पे ब्लेम नहीं डालना जो कि आपने अपनी वजह से किया। वॉरियर बनी, विलन बनी, पर विक्टिम नहीं बनी। सो दैट्स द रूल। और फिजिकल एंड्योरेंस, मैंने आपकी रील देखी है, आप ऐसे जिस एनर्जी से भागना और वो हुला हूप और साइकिलिंग, जो इंडोर वाली साइकिलिंग होती है वो, और
आप तो सिर्फ रील को रिकॉर्ड करके लगा देते हो, उसमें बोलते नहीं हो, जिसमें बोलते भी हो किसी किसी में, तो इतनी एनर्जी से कर रहे हो तो साइकिलिंग, मुझे देख के इतना मोटिवेशन हो जाता है कि यार मैं भी करूँगा, कल से करूँगा, लेकिन करूँगा, तो कहाँ से आता है वो एक, क्योंकि थकान तो सबको होती है ना, हम तो फिजिकल इंड्योरेंस टाइम के साथ बढ़ती है, है ना, हम ये नहीं बोल सकते कि हम एक दिन में ना बहुत टफ हो जाएंगे. मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ, जब आप ट्रेनिंग करते हो ना, जब आप फिटनेस की फील्ड में आते हो, देखो फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, क्योंकि आप फिटनेस से सिर्फ आप पतले नहीं होते, आप पतला होना इज ऑल्सो नॉट अ गोल, लाइक मैं मेरा ये गोल नहीं है कि आई वॉन्ट टू बी स्लिम और समथिंग, मेरा गोल है भाई आई वॉन्ट टू बी स्ट्रॉन्ग, कि मैं कहीं जा रही हूँ और मुझे वजन उठाना पड़े तो मैं उसको उठा के अपने बच्चों को उठा के भी भाग लूँ, दैट्स द गोल, ठीक है. एट और सेकेंड थिंग ये है कि मैं ये फिटनेस इंड्योरेंस जो होती है ना वो टाइम के साथ बिल्डअप होती है, तो स्टार्ट स्लो एंड फोकस आप करो कि कल आप अगर 5 पुशअप कर रहे थे तो आज आप 6 पुशअप कर रहे हो. डोंट फोकस ऑन कि अगर मेरा कल 10 किलो हो गया था आज 20 किलो, वेट लॉस से बाहर आओ और स्ट्रेंथ स्टेमिना पे वर्क करो. तो पुशअप्स का तो भूल ही जाओ आप, क्योंकि लड़कियां पुशअप्स तो बहुत अपोजिट डायरेक्शन चले जाते हैं कभी कभी, पर पहले तो वो स्क्वाट्स करते हैं या फिर उठक बैठक बोल लो, इसे फंक्शनल ट्रेनिंग जो होती है ना, फंक्शनल ट्रेनिंग में कैसे करना चाहिए शुरुआत, और फिर वो तो पता है एडवांस तो फिर चले ही जाते हैं लोग, पर छोटी छोटी चीज़ों से शुरू करो. जैसे आप स्क्वाट बहुत ही बेसिक है, मलासन आपको करना है ना, जैसे हम वॉशरूम में अगर आप, तो आज तो इंडियन कोमोड्स आते हैं, तो सुबह उठ के मैं क्या करती हूँ कि मैं मलासन में बैठकर अपना पानी पीते हूँ, ठीक है, बताया गया. हाँ, तो ऐसे ही करना चाहिए. आई थिंक फर्स्ट स्टेप इज दैट, अगर आप मलासन में, पर ऐसे काफ़ी लोग मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं जो मलासन में बैठ ही नहीं पाते, उनके घुटने, उनकी हील नहीं लगती ज़मीन पे ना, तो मैं उनको मोबिलिटी ट्रेनिंग शुरू कराती हूँ. तो मोबिलिटी वर्क अपने हिप को ओपन करने के लिए होता है, तो अपने हिप्स को ओपनिंग से शुरुआत करो. आई थिंक द बेस्ट वे टू ओपन योर बॉडी इज वॉकिंग. अच्छा, वॉकिंग. हाँ, सबसे बेस्ट. लाइक अगर किसी को कुछ भी नहीं पता है और आपको फिजिकल एंड्योरेंस बढ़ानी है तो वॉक से शुरू करो, ठीक है. धीरे धीरे वॉक का अपना टाइम बढ़ाओ, स्टेप्स बढ़ाओ, अपने आप को टारगेट दो. जैसे कि आज मैं 5,000 स्टेप्स करूँगा, 2,000 स्टेप्स करूँगा, 3,000, तो हर दिन अपने उसको बढ़ाओ. जैसे आज 2,000 करे तो कल 2100 कर लिए, यानी कि जितने एक दिन पहले किए तो उससे कम तो नहीं. और एक और एक्सक्यूज़ रहता है जो हमारे काउंटर पार्ट है फीमेल मदर्स वगैरह उनको, कि जो मदर वगैरह होती है कि हमको घर का खाना बचा हुआ खाना फिनिश करना होता है इस चक्कर में हमारा, तो क्या डाइट की वजह से भी कुछ पंगा रहता है जिसकी वजह से? डाइट प्लेज अ वेरी मेजर रोल, है ना, बट जो माएँ ये बात बोलती हैं, जो औरतें ये बात बोलती हैं ना कि घर में जो खाना बचा होता है खाने की रिस्पेक्ट करनी है हमको, खाना फेंक नहीं सकते इसलिए हमें एक्स्ट्रा खाना बनाना पड़ता है, दिस इज अ मैसेज फॉर देम. ओके, भगवान ने आपको एक शरीर दिया है ना, सबसे पहले आपको किसकी रिस्पेक्ट करनी है? अपने शरीर की, राइट. आपका शरीर डस्टबिन है जिसमें आप ठूसोगे बचा कुचा खाना, तो सबसे बड़ी गलत, खाने की रिस्पेक्ट आएगी कि नहीं आएगी, सबसे बड़ी डिसरिस्पेक्ट आप अपने शरीर के साथ कर रहे हो. बिकॉज लेट मी टेल यू, शरीर का एक सिंपल फंक्शन है, आप वो खाना खाओगे ना तो जो नेसेसरी होगा वो उसको ब्लड कन्वर्ट कर लेगा, ठीक है, फालतू का जो कचरा होगा वो स्टूल में बाहर आ जाएगा, बाकी जो है फैट की तरह स्टोर हो जाएगा, राइट. तो वाई डू यू वॉन्ट टू मेक इट अ डस्टबिन जहाँ पे आप ठूस ठूस के भर रहे हो? यूज फूड फॉर एनर्जी. द मोमेंट वी अपने आप को हम रिस्पेक्ट करने लग जाते हैं, अपने शरीर को हम रिस्पेक्ट करने लग जाएंगे, तो ये रिस्पेक्ट फूड वूड की है ना, ये तो बाद की बात है. उस फूड की रिस्पेक्ट आई थिंक अच्छी तब होगी जब स्ट्रे डॉग्स जो रास्ते में होते हैं ना, आप उस बचे कुचे खाने को, उस बेचारे, आई सी तो स्ट्रे डॉग्स बेचारे ठंड में हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, तो उस अपने बॉडी को डस्टबिन बनाने से अच्छा किसी गरीब जानवर या गरीब इंसान को दे दो. दिस इज अ ग्रेट पॉइंट टू एंड, बट मैं ये जानना चाहूंगा कि आप खर्राटे लेती हो या आपके हस्बैंड लेते हैं? माय हस्बैंड, नॉट मी फॉर श्योर, इसलिए मैं उनके साथ सो भी नहीं पाती हूँ, बड़ा मुश्किल है. एंड ही इज वाचिंग इट. आपने उनसे पूछा था कि आप लेती हो कि नहीं? नहीं. हां, आई आस्क्ड हिम, मैं नहीं लेती. ही पक्का? पक्का, मैं नहीं लेती फॉर श्योर. बट या, और जो भी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स आ रहे हो आपके, बता दो उन्हें किस, और आपको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं आप, अगर जिसको जो भी फिट मॉम्स फिटर होम्स जिनमें भी उस इनिशिएटिव के साथ, या अपने आप को एजुकेट भी करना है फ्रॉम स्पिरिचुअल साइड, फ्रॉम फिजिकल साइड वो भी, और इवन जो भी आपके फ्यूचर प्लान्स आ रहे हैं, जैसे बुक बताया आपने क्या खतरनाक टाइटल है, जनरली हमारे दिमाग में ये रहता है डिलेमा कि विलन, मतलब जो विलन है या जो नेगेटिव जिसको हम मानते हैं कि उसकी एनर्जी को चैनलाइज करके हम वॉरियर माइंडसेट में भी जा सकते हैं, क्योंकि जो वॉरियर होते हैं उन्हें भी ब्रूटल एक्शंस लेने पड़ते हैं. तो फ्यूचर प्लान्स और कहाँ पे लोग आपको देख सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, और
आपका YouTube चैनल अगर है तो? YouTube चैनल पे मैं भी काम कर रही हूँ. YouTube और Instagram दोनों पे कैप्टन डॉट रितु कुमार सिंह मेरा प्रोफाइल है, वहाँ पे लोग फॉलो कर सकते हैं. फिट मॉम्स फिटो होम्स इज अ वेंचर फॉर मॉम्स. अभी फिट मैन फिटो होम्स भी आ रहा है फॉर मैन. सो दोनों फिटनेस प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हम उनकी फिटनेस पे काम करते हैं. साथ ही साथ मैं फिटनेस को ये नहीं समझती सिर्फ फिजिकल फिटनेस. जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो सिर्फ आपको पतला करने पे नहीं काम करेगा. वो काम करेगा आपको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड इवन स्पिरिचुअली फिट करने में. तो ये चार पैरामीटर्स हैं जिन पे हम काम करते हैं. और ये कोई ट्रेनिंग नहीं है गाइस कि वो आप उसको ट्रेनिंग करके आर्मी में चले जाओगे, बट दिस इज फॉर योर लाइफ, इट्स फॉर रेगुलर लाइफ, राइट. और दूसरा कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी जो आपने बिल्कुल आपको याद रहती हो हमेशा, जो आपने सुनी हो ड्यूरिंग दिस कोर्स ऑफ वेंचर? Yeah, there have been many success stories. So, I am a diastasis recti and umbilical hernia repair specialist. Okay. So, मैं pregnant और postnatal जो औरतों की problems होती हैं, जैसे उनका urine leak होना, उनका muscle separation हो जाना, hernia हो जाना, मैं उसको deal करती हूँ. Okay. तो मेरे साथ ऐसे काफ़ी लोग गए हैं जिनको surgeons के पास surgery के लिए refer कर दिया गया था, but only with the help of mindset, connecting breath with their body and few exercises of core healing and everything, they completely healed. Completely. There were women with PCOD, PCOS, जिनके periods बहुत खतरनाक थे, जिनको endometriosis हो रखा था, cyst थी, only with mindfulness and physical exercises, they all have healed. Okay, the time है? एक साल, छः महीने से एक साल. Results may vary depending upon आपका problem कितना बड़ा है और कैसा है. Medicine help के साथ? Medicinal help के बिना. Okay. Yeah. Great. So it's मैं हमेशा मैं ये इसीलिए बोलती हूँ कि फिटनेस इज नॉट अबाउट फिजिकल फिटनेस. ये चार पैरामीटर होते हैं हमारी लाइफ के, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल. अगर हम चारों को बैलेंस कर लें आपकी लाइफ में बीमारियाँ अभी तक नहीं आएंगी. नेचर से कनेक्ट हो जाना बहुत ज़रूरी होता है. मैं तीन किताबें लिख रही हूँ. सबसे पहली किताब जो आउट होगी दैट इज विक्टिम और अ विलन स्लैश वॉरियर, दैट इज चॉइस इज योर्स. ठीक है, दूसरी किताब मैं लिख रही हूँ द ऑफिसर विद इन. The Officer Within is a book. It is a guide for civilians to understand how an officer works so that they can inculcate that mindset in their daily life so that they become a citizen worth fighting for. क्योंकि usually हमारे citizens को worth भी तो होना चाहिए ना, कि उनके लिए soldier वहाँ जान दे के आए, officer जान दे के आए. Third book is about how to lose your mummy tummy in 6 weeks. तो मम्मी टमी जो लेडीज का होता है बड़ी परेशानी है. दिस इज दिस विल बी दैट गाइड. वी दिस बुक्स विल बी इन द फॉर्मेट ऑफ के इंस्ट्रक्शन और स्टोरी फॉर्मेट में कैसा आप बना रहे हो? विक्टिम और अ वॉरियर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टोरी. द बेस्ट पार्ट अबाउट विक्टिम और अ वॉरियर इज दैट कि इन द एंड द लास्ट मॉड्यूल इज द स्टोरी ऑफ अदर वॉरियर्स. वो वॉरियर्स जिनको मैंने अपनी लाइफ में खुद देखा है, दे आर वेरी हार्ट रेंचिंग स्टोरीज ऑफ फ्यू पीपल जिनसे मैं मिली हूँ. मेरी लाइफ के वो पार्ट हैं. लाइक समवन जिनके बारे में बात करना चाहूँगी, she was my neighbor, she had a brain hemorrhage, she forgot everything. I've seen her starting right from learning A, B, C, D at the age of 32 years. Shit, And now also she fumbles, I see the resilience, unke husband aur unki jo maine dekhi, that proves it's a warrior mindset. And I have many such stories of daily life jo is book mein aayengi. Haan, jo humare aas-paas ki warriors hai, jinhe hum, jinki stories hume sunne ko nahi milti, right. So that will be on those books. Awesome. और जो आपकी बुक आएगी ना, बताना, बैठेंगे उसी टॉपिक के अराउंड बात करेंगे, क्योंकि आज तो हमने जर्नी ऑलमोस्ट वी ट्राई टू कवर, बट कुछ एस्पेक्ट रह गए तो डेफिनेटली विल. तो कब लग रहा है आपको प्लान, कब इंट्रोड्यूस करोगे, एट व्हाट फेज वी आर इन? मार्च तक हम फर्स्ट बुक लॉन्च कर देंगे एंड देन द सेकंड एंड द थर्ड विल कम. और वो तो टाइमलाइन तो हम विल डिस्कस, बट थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए और इतने सारे नॉलेज के लिए. डेफिनेटली आउट ऑफ दिस पॉडकास्ट मेरे को कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगी हैं जिनको मैं अपनी लाइफ में भी अप्लाई करूँगा. जैसे कि कैसे ना कैसे हम जो जिन लिमिटेड थॉट्स होते हैं हमारे, जो लिमिटिंग करते हैं कि अरे भाई ये नहीं कर सकते. दूसरा, हर चीज़ को अटेम्प्ट करना. ऐसा नहीं कि ये मैं नहीं कर सकता, या जो लोग ये सोचते हैं उनसे दूर रहना. और सबसे लास्ट थॉट ये कि डोंट, ऐसा मत सोचो कि अगर अच्छा स्टेटस वाला बंदा है, नॉलेज वाला बंदा है, उससे ये मत सोचो कि यार मैं इसके साथ नहीं बैठ सकता, या मैं इसके साथ बैठूंगा तो कुछ जेलसी वाला सीन का. आप उसके साथ बैठो, सीखने के लिए जाओ. इसलिए मत जाओ कि उसकी कंपटीशन है, वो आपका बराबरी करनी है आपको से कुछ सोचो, क्योंकि हो सकता है उसकी अप्रोच अलग हो जिसकी वजह से वो यहाँ पहुँचा है. तो जस्ट लर्न द अप्रोच, लर्न द प्रोसेस कि वो किस प्रोसेस आया, एंड स्टार्ट इम्प्लाइंग दैट ऑन यू. क्योंकि अगर आप छोटे या फिर जो उन लोगों के साथ रहोगे जहाँ पे आपको सुपीरियर लगता है, दैट मीन्स यू आर नॉट ग्रोइंग. अगर वो ग्रो करना है तो दीज आर द, और भी कुछ जो मैं एडिट करते टाइम में निकालूंगा, बट दीज आर द हाई टॉप जो मेरे को दिखता है, टॉप हाईलाइट लगता है. बाकी व्हाटएवर योर एक्सपीरियंस प्लीज शेयर एंड थैंक यू सो मच. आई थिंक इट वाज अ ग्रेट इंटरेक्शन विद यू. लिटरली पता ही नहीं लगा कब टाइम बीत गया है ना. सो बात करते करते रेस्ट इज, थैंक यू सो मच. थैंक यू.